नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट सीरीज में नया टॉपिक यस न्यूटन्स लॉज एंड फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दो सवाल पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं नीट के पेपर में और फिर मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ पूरा लेक्चर लास्ट तक देखिए और ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें तो आपको बिना किसी मेहनत के बढ़िया से आपका रिविज़न होने वाला है और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं अब केवल उन पर अमल करना बाकी है तो अगर आप प्यारे बच्चों को देख करके मनन करके थोड़ी मेहनत करेंगे तो विश्वास कीजिए आपका सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट होगा और आपको इसमें से क्वेश्चंस में मिलने वाले होंगे तो आइए ज्यादा समय ना खराब करते प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं, करते हैं का है पहला सवाल हाँ प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया गया इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस पी इज इक्वल्स टू टेन साइन टी आई कैप प्लस टेन कॉस्टी जे कैप देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम टी एन एंगल बिटवीन द मोमेंटम एंड द फोर्स तो सबसे पहली चीज हम सभी लोग जानते हैं फोर्स और मोमेंटम का एक रिश्ता होता है जिस हम शायद न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी यस है ना सीधी बात नो बकवास कोई उछल कूद नहीं सीधे सीधे पढ़ाई की बातें त तो फिजिकल्स टू डी पी बाई डी टी तो प्यारे बच्चों मुझे क्या दिया है यहाँ से मोमेंटम दिया गया है वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्या करना है डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन सर सिंपल है डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन से प्यारे बच्चों ये मोमेंटम वैक्टर जो मुझे दिया गया है इसको लिख सकता हूँ टेन साइन टी आई कैप प्लस टेन कॉस्टी जे कैप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी पी बाई डी टी यहाँ प्यारे बच्चों ये मेरे पास टेन जो का तो साइन का आ जाएगा यस कॉस्ट टी आई कैप और ये आ जाएगा माइनस टेन साइन टी जे कैप इज इंटेड दिस इज वॉट दिस इज फोर्स वेक्टर तो मेरे पास आ चुका है प्यारे बच्चों यहाँ से फोर्स वेक्टर अब आपसे कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालिए किसी टाइम टी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए यस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ हाँ बेटे ये आई वाला कॉफिशेंट और जे वाला कोफिशियंट भावुक ना हो जाए कुछ लोग क्या करते हैं इसको टेन रूट टू लिख देते हैं बिना बुद्धि लगाए है। सोचते हैं इसका वैल्यू वन होगी तो टेन रूट टू आ जाएगा नहीं टेन यस टेन कॉस टी का स्क्वायर प्लस टेन हाँ जी साइन टी का होल स्क्वायर है ना माइनस होगा तो वो भी प्लस आ जाएगा बच्चों तो यहाँ से मेरे पास यहाँ ये यह रहा इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा वन यानी कि आंसर आ जाएगा टेन न्यूटन क्लियर है भाई दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें देखो क्या पूछा गया है इसमें आपसे पूछ रहा है एंगल बताइए किस किस के बीच का फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल तो बेटे फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल अगर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है तो चूंकि आपके पास फोर्स आ चुका है मोमेंटम आ चुका है सही समझ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे क्या लगाएंगे यस डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो चूंकि मेरे पास मोमेंटम था मुझे दिया गया था टेन साइंटी आई कैप प्लस टेन कॉस्टी जे कैप और बेटे जो फोर्स वेक्टर है दैट फोर्स वेक्टर इज टेन कॉस्टी आई कैप माइनस टेन साइन टी जे कैफ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट मतलब चाइनीज लैंग्वेज ऐसे ऐसे पढ़ते हैं दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस तो ये मेरे पास आ जाएगा हंड्रेड साइन टी कॉस्टी और ये भी आ जाएगा हंड्रेड साइन टी कॉस्टी और ये छम्मा छम्मा हो गए इसका मतलब सर अगर एफ़ डॉट पी क्या आ गया ज़ीरो तो इसका मतलब सर एफ डॉट पी जीरो होने का मतलब जो एफ़ और पी होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे प्यारे बच्चों एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर होंगे क्लियर हो गई बात और अगर जीरो ना आता तो फिर क्या करते तो फिर एक फार्मूला आपके पास है कॉस्ट थीटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट पी अपॉन मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ पी लगाते और इससे थीटा की वैल्यू क्या कर लेते कैलकुलेट कर, कर लेते तो कहने का मतलब हुआ पहला आंसर हमारा कितना आया टेन और दूसरा आंसर हमारा क्या है प्यारे बच्चों नाइन्टी डिग्री क्लियर है तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर एक कार ऑफ मास फाइव हंड्रेड के जी मूविंग विद स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेकिंग फोर्स इन फाइव सेकेंड्स फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम एंड फाइंड आउट द एवरेज फोर्स हाँ प्यारे बच्चों मैं एक आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूँ पेपर नीट का कभी भी टफ नहीं आने वाला है इंपॉर्टेंट है रिविज़न ये ध्यान रखिएगा अगर आपका रिविज़न ढंग से हो गया तो आप अगर हो सकता है बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस ना भी कर पाएँ लेकिन अगर आपने रिविज़न ढंग से किया तो बहुत चीज़ें आसान होंगी तो मैंने कहा कि एक कार का मास कितना है भाई सर इस कार का मास है मेरे पास फाइव हंड्रेड ओके okay, और कमाल की बात है प्यारे बच्चों ये कार समय पाँच सेकंड में कितने सेकंड में जीरो से लेके पाँच सेकेंड में रेस्ट पर आ जाती है और कमाल की बात है इसकी स्पीड कितनी है इसकी स्पीड है बीस मीटर पर सेकेंड क्लियर है तो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम ठीक है बढ़िया सवाल यस दैट चेंज इन मोमेंटम इज़ एम इन टू वी माइनस यू यस मास कितना है बेटे इसका 500 हंड्रेड वी मेरे पास कितना है जीरो और इनिशियल स्पीड कितनी आ रही बेटे इसकी ट्वेंटी तो दिस कम्स आउट टू बी टेन थाउजेंड के जी मीटर पर सेकेंड नेगेटिव साइन तो केवल कि किसको बताता है डायरेक्शन को बता रहा है तो मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा साथ ही साथ एवरेज फोर्स पूछ रहा है तो बेटा एवरेज फोर्स के लिए आप सभी जानते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से यस दिस टेन मैग्नीट्यूड ले लीजिए डिवाइडेड बाय कितने सेकंड फाइव सेकंड्स तो इट कम्स आउट टू बी यस टू थाउजेंड न्यूटन क्लियर है प्यारे बच्चों तो एक बेसिक सा सवाल है लेकिन काम का सवाल है है बेसिक बेसिक ही पेपर में आता है दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुके हैं अब केवल उन पर अमल करना बाकी है ये बात आपको याद आएगी जब आप नीट का पेपर दे रहे होंगे कि बहुत सारी आलतू फालतू बातों की जगह अगर आपने काम पर फोकस किया तो एवरी वुड बी देयर अच्छा मैं आपको इसमें एक बढ़िया सी चीज़ बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग फ्रिक्शन की बात करें किसकी बात करें फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में अगर इस सवाल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ्रिक्शन टर्म आ जाए जैसे एक बेसिक टर्म है मैं आपको याद दिला दूँ ग्यारह बच्चों ना टर्म आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसे ही मुझे याद आया तो मैंने सोचा एक फ्रिक्शन का फार्मूला बता देता हूँ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर कभी आ जाए और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हो तो डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर बाई टू म्यूजी यूज़ कर सकता है क्लियर है ना तो ध्यान रखना है छोटी छोटी सी चीज़ें और ऐसे अगर कोई कार रेस्ट पर आ रही हो ब्रेक लगने पर है ना और आपसे स्टॉपिंग टाइम पूछ ले तो फार्मूला होता है वी नॉट बाई म्यू जी क्लियर है या आगे हम लोग फ्रिक्शन के सवाल करेंगे तो भी वहाँ पे ये डिस्कस जरूर होगा लेकिन ये दोनों फार्मूले भी क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल ए मशीन गन फायर बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ओके okay? विद स्पीड थाउजेंड मीटर पर सेकेंड इफ़ टेन बुलेट्स आर फायर पर सेकेंड दैन फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एग्जेटेड बाय द बुलेट्स ऑन द गन यानी कि आपसे कह रहा है कि भाई ये जो गन है और यहाँ पर क्या प्यार है? बुलेट्स हैं तो बुलेट्स के आगे जाने पर ऑब्वियस है गन कहाँ रिकॉल करती है पीछे की तरफ रिकॉल करती है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं तो कह रहा है कि यार इस बुलेट के आगे जाने से जो गन रिकॉल कर रही है उस बुलेट की वजह से गन पर कितना फोर्स लग रहा होगा तो बेसिकली आपको फोर्स निकालना है किसके ऊपर गन के ऊपर तो गन के ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो भैया एक काम करो मोमेंटम में चेंज बाय टाइम निकाल लो किसके गन के तो यानी कि इसका मतलब मास ऑफ द गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन अपॉन अपॉउंट ना कहा जाए तो पर सेकंड यूज कर सकते हैं क्लियर है ना प्यारे बच्चों पर सेकंड चलें अब मुझे ये वाली टर्म क्या करनी है कैलकुलेट करनी है लेकिन इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा सब बच्चे जानते हैं इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व और सिस्टम का मोमेंटम अगर कंजर्व रहता है प्यारे बच्चों तो मोमेंटम कंजर्वेशन में यस yes, Initial momentum is equals to final momentum. Means yani mass of the gun velocity of the gun is equals to mass of the bullet velocity of the bullet. It is a very standard formula. ओके okay? हाँ जी तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ जब वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा एम बी वी बी अपॉन एम जी क्लियर है बेटा चलिए मास ऑफ द बुलेट कितनी दे रखी है मुझे सर मास ऑफ द बुलेट इज़ 50 ग्राम एग्जैक्टली exactly. लेकिन कमाल की बात है कि ये कितनी बुलेट्स हैं ये 10 बुलेट्स हैं है ना यानी कि इन टू टेन कर दीजिए तो ये टोटल मास आ गया वेलोसिटी ऑफ़ द बुलेट आपको कितना गिवन है थाउजेंड मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ द गन मुझे पता नहीं है कोई बात नहीं इसको एम लिख लेते हैं ये यह यहाँ से प्यारे बच्चों छम्मा छम्मा हो गया अभी मेरे पास आ गया फाइव हंड्रेड बाई एम तो इसका मतलब जो वी जी एम जी होगा क्या दिस वुड बी फाइव हंड्रेड मुझसे पूछ रहा है फोर्स तो यहाँ चलते हैं इस इक्वेशन की और यस एम जी जी क्योंकि इनिशियल कितना था ज़ीरो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एम जी वी जी बाई टी क्लियर है बेटे एम जी वी जी बाई टी और एम जी वी जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई फाइव हंड्रेड यानि कि दिस इज फाइव हंड्रेड और सेकेंड यानी कि वन यानी कि फाइव हंड्रेड पर सेकेंड है ना क्योंकि पर सेकेंड आ रहा है यहाँ पर तो मुझसे क्या पूछ रहा था फोर्स तो आई कैन से दैट द फोर्स वुड बी 500 न्यूटन तो है ना कमाल की बात इस एक कंसर्प्ट में कितनी सारी बातें काम आई पहले तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया फिर उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला यूज़ किया ये कि आपको पता है ना अच्छे से बिल्कुल नहीं पता तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन वॉज सर जीरो था फाइनल में क्या लिखेंगे बेटे फाइनल में लिखेंगे मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आता है प्लस मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्लियर है ना और चूंकि इनिशियल फाइनल बराबर होते हैं तो जैसे यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये टर्म इसके बराबर आ जाएगी तो ये मैग्नीट्यूड्स के रिलेशन होते हैं किसके रिलेशन होते हैं मैग्नीट्यूड्स के और वैक्टर फॉर्म में लगा देते हैं तो एक माइनस साइन लगा देते हैं माइनस साइन से क्या आ जाता है डायरेक्शन आ जाती है इसलिए कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ मैं आपको बता दूं जब हम सेंटर ऑफ मास का रिवीजन कर रहे होंगे तो हम फिर मजल वेलोसिटी वर्ड पे भी क्या करेंगे चर्चा करेंगे अभी तो नॉर्मल वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं ए बॉल ऑफ मास 0.2 पॉइंट टू के जी मूविंग विद स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक सर्फेस एट एन एंगल ऑफ थर्टी सेवन डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द सर्फेस इफ दॉन्स विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल इन टाइम जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेकेंड फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल स्टैंडर्ड सवाल है पता नहीं कितनी बार ये पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिला दूँ अगर कोई बॉल किसी सरफेस पर नॉर्मली गिरती है कैसे गिरती है नॉर्मली नॉर्मली मतलब ऐसे और अगर e बराबर वन यानी कि इसको बोलते हैं इलास्टिकली क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इलास्टिकली इलास्टिकली का मतलब होता है कि जितनी स्पीड से ये आएगी उतनी स्पीड से टकरा के वापस जाएगी तो अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम प्यारे बच्चों टू एमयू होता है कितना होता है टू एमयू होता है लेकिन अगर इसमें कोई एंगल पर आकर के गिरे कुछ इस तरह से थीटा एंगल पर तो बेटे इस सिचुएशन में यह होता है टू एम वी कॉस थीटा ओके और अगर इसकी जगह ग्लांसिंग एंगल दिया हो कभी कभी क्वेश्चन में ग्लांसिंग एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी दे दिया जाता है तो इस एंगल के हिसाब से दैट आंसर दट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू टू एम वी साइन थीटा क्लियर है भाई बाकी आपके हाथ में है, जैसे चाहे और इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि बॉल रिबाउंड विद द सेम स्पीड यानी कि अगर ये एम वी से आएगी तो ये एम वी से जाएगी ये इधर एम वी से आएगी तो ये एम mv से जाएगी और ई e की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों वन होगी चले तो बुलेट का मास कितना है इतने 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 सरफेस से देखो सरफेस एट एन एंगल फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि कौन से वाला केस है ये वाला केस है यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ से यस डेल्टा पी बराबर टू एम वी कॉस् थीटा एग्जेक्टली हाँ प्यारे बच्चों टू मास कितना है जीरो पॉइंट टू के जी इट्स वेलासिटी टेन मीटर पर सेकेंड और cos थर्टी सेवन कितना जाएगा यहाँ से आ जाएगा फोर बाई फाइव तो ये मेरे पास हो गया साहब जीरो पॉइंट फोर इंटू ये आगे बेटे फोर टू जा है ना टू भी आ रहा है यानी कि सिक्सटीन इंटू फोर टू जै एट फोर फोर जा सिक्सटीन यानी कि वन पॉइंट सिक्स इंटू टू से इट कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट टू अच्छा लेकिन पूछ क्या रहा है मुझसे मुझसे पूछ रहा है पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम निकालो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम और दूसरा क्या पूछ रहा है दूसरा क्या रहा है फोर्स कैलकुलेट करो तो फोर्स इज इक्वल्स टू तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी कि सर जी 3.2 डिवाइड कर दीजिए कितने से 0.01 से तो बेटे ऊपर कितना आ गया हंड्रेड नीचे कितना आ गया टेन ये ये वो वो यानी कि 320 ट्वेंटी न्यूटन इज द आंसर प्यारे बच्चों हो सकता है कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन अरल हो जाए तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई करके कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि और बच्चों के भी उससे बेनिफिट मिले है ना तो ये थी छोटी सी कहानी इसमें देखो हमने कितने सारे केसेस को अच्छे से पढ़ा रिवाइज किया और एक बार डीट में सवाल डायरेक्ट इसके ऊपर आया हुआ है केवल ये पूछा है कि यार चेंज इन मोमेंटम ये वाला हो होगा ये वाला होगा तो ध्यान रखना है अगर एंगल सर्फेस के साथ बन रहा है तो साइन थीटा आने वाला है और अगर एंगल नॉर्मल के साथ बनने वाला है तो कॉस थीटा आने वाला है है चले प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों एक सवाल बहुत बढ़िया आपके सामने सिलेक्टेड सवाल है ए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू के जिस प्लेस ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ए वाटर जेट थ्रोस वाटर हॉरिजॉन्टली एट ए रेट ओ हो कमाल का वर्ड है भाई एट ए रेट ऑफ टू के जी विद स्पीड इतने मीटर पर सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट फाइन द फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों इस तरह के जो सवाल हैं मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ रेट लिखा आ रहा है और वो भी टू के जी तो पहली बात तो आपको समझो मास नहीं है दिस इज एक्चुअली डी एम बाई डी टी है ना इट मीन्स दैट इज टू के जी पर सेकेंड इस रेट से एक्चुअली आ रहा है ना तो इस बात को समझिए बस अब तो आप सभी विश होशियार हैं मुझे पता है आपका दिमाग तेजी से चल रहा होगा है ना बेटा जो वाटर जेट है वो डी एम बाई डी टी यानी कि के टू के जी पर सेकेंड से वाटर को क्या कर रहा है थ्रो कर रहा है दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली ब्लॉक का मास कितना दे रखा है बेटा ब्लॉक का मास कितना दे रखा है टू के जी दे रखा है और इसकी वेलोसिटी वी है तो नीट एस्पिरेंट्स आप सभी जानते हैं बहुत प्यारा सा सवाल ऐसे क्वेश्चन में जो फोर्स होता है यस, यस यस सही पकड़े हैं फोर्स F बराबर एम नहीं होता बल्कि F बराबर क्या होता है v रिलेटिव dm एम बाई डी लगा क्या लगाते हैं बेटे वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी लगाते हैं लंबी कहानी है बता देंगे कहाँ से आया है लेकिन फिलहाल ये वाला फॉर्म लगाते हैं रॉकेट वाली प्रॉब्लम में जैसी प्रॉब्लम जहाँ पे मास वैरी कर रहा होता है समय के साथ जैसे यहाँ पर सेकेंड टू की जिसे मास वैरी कर रहा है तो इस सिचुएशन जब भी कभी फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अब बताइए वेलोसिटी कितनी देर रखी है मुझे यहाँ से ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो जैसे ट्वेंटी इंटू टू से मेरे पास आंसर आ जाएगा कितने न्यूटन फोर्टी न्यूटन और अब बात करते हैं किस चीज़ की एक्सेलरेशन तो अब एक्सेलरेशन चूंकि इस पर फोर्स आप क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब इस पर एफ बराबर एम ए लगा सकते हैं सो ए इज़ इक्वल्स टू एफ आई बाई एम और मास किसका प्यारे बच्चों ब्लॉक का तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास ये आ गई है सर फोर्टी न्यूटन और ये चूंकि टू के जी का है तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्लियर है प्यारे बच्चों तो ये चूंकि एक वेरिएबल मास का प्रॉब्लम था वेरिएबल मास में हमेशा जब भी फोर्स निकालते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी का प्रयोग करते हैं याद आ गया ना अच्छे से हाँ जी चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाई दिस फोर्स दिस इज सिक्स टी स्क्र प्लस टू टी फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड क्या दिया गया है सर फोर्स दिया और क्या पूछ रहा है मोमेंटम तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी यस है ना भाई इसको इम्पल्स भी कहते हैं आप और साथ साथ ये भी इससे समझ में आता है कि फोर्स को इंटीग्रेट करने पर मोमेंटम मिलता है तो फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं तो मोमेंटम मिलता है और मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है फोर्स मिलता है तो चूंकि आपको यहाँ पे क्या दिया प्यारे बच्चों फोर्स दिया तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यस दैट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू सिक्स टी स्क्वायर प्लस टू टी डी टी क्लियर है भाई और समय कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों जीरो से लेकर के थ्री सेकेंड तक यस yes, मज़ा आ गया यानी कि सिक्स टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू इंटू टी स्क्वायर बाई टू जीरो से लेकर के तीन तक और जीरो से लेकर के तीन तक यानी कि ये मेरे पास आ गया टू टी क्यूब ज़ीरो टू थ्री और ये मेरे पास आ गया टी स्क्वायर जीरो से लेकर के थ्री तक सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द आंसर अच्छा ये है क्या प्यारा बच्चों ये है p फाइनल माइनस पी इनिशियल तो चूंकि चेंज इन मोमेंटम ही पूछा है तो ये समझ में आ जाएगा इसमें ध्यान रखना होता है अगर कहीं कोई इनिशियल मोमेंटम दिया हो तो फाइनल मोमेंटम भी पूछ सकता है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद बच्चों 63 न्यूटन चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ जी फॉर गिवन ग्राफ मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ है ना यहां पर पी इज बेसिकली दिस पी इज मोमेंटम टाइम ग्राफ मोमेंटम टाइम ग्राफ दिमाग में आते ही ओ हो जैसे ही पीटी ग्राफ का दिमाग में आया यानी कि सर इसका जो स्लोप होगा tan थीटा द tan थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम है ना भाई यानी कि मुझे इसका एक्चुअली स्लोप से कहीं कही ना कहीं वास्ता होने वाला है तो आपसे कह रहा है रेशो ऑफ द फोर्सेस ऑन पार्टिकल ए एंड बी ए और बी पर लगने वाले फोर्सेस के रेशो क्या करने प्यारे बच्चों कैलकुलेट करने हैं तो जैसे मान लीजिए ए की बात करें है ना इसमें दो सवाल है ए के लिए एंगल कितना बन रहा है थर्टी डिग्री तो फोर ए अगर ए की बात करूँ तो ए पर जो फोर्स होगा यस दैट इज़ सिंपली इसका स्लोप यानी कि टेन थर्टी डिग्री बोले तो यानी कि सर जी वन बाई रूट थ्री आ जाएगा और अगर बात किसकी करें अगर बात बी की करें तो टोटल एंगल इस बार कितना है सिक्सटी डिग्री है तो यहाँ से यह मेरे पास आ जाएगा टेन सिक्सटी यानी कि रूट थ्री क्लियर है तो प्यारे बच्चों एफ ए भी आ गया एफ बी भी आ गया अच्छा इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया लेकिन इस बार वाले क्वेश्चन में क्या किए गए एंगल पी से दिए गए हैं तो इन एंगल्स को कहाँ से निकालें एक्सिस से निकालें ये थर्टी ये फिफ्टीन तो इसका मतलब ये कितना होगा 45 फाइव होगा और प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा सिक्सटी डिग्री होगा तो ए के लिए किसके लिए ए के लिए जो स्लोप होगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्पीड के साथ हां देखते जाओ ए के साथ सर ये आ जाएगा टेन फोर्टी फाइव दैट इज वन और दूसरे केस में प्यारे बच्चों जो एफ बी मेरे पास आ जाएगा दिस एफ बी इज फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन यानी कि सिक्सटी डिग्री यानी कि इट वुड बी टेन सिक्सटी यानी कि रूट थ्री तो आप सोचो हमने कितने सारे सवाल कर लिए चार सवाल कर लिए कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लिया याद कर लिया है भाई तो प्यारे बच्चों यही रिविजन का एक पर्टिकुलर बेनिफिट है कि यार कहीं कोई कोई चीज़ छूटी तो नहीं रिवीजन तुम खुद भी कर सकते हैं लेकिन अगर कोई हमारा रिवीजन करा दे तो कैसा लग रहा है चलिए खैर बढ़ते हैं आगे करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t इज इक्वल्स टू जीरो टू टी इज इक्वल्स टू फोर सेकेंड कमाल का सवाल है कोई भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं हाँ प्यारे बच्चों एफ टी ग्राफ का एरिया यस yes, ये जो एफ ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है कौन सा एरिया अंडर द कर्व है तो इंटीग्रल एफ डी टी मुझे क्या देता है ये मुझे देता है चेंज इन मोमेंटम क्या देता है प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम बस आपको एरिया भैया कैलकुलेट करना आना चाहिए अरे सर बहुत आसान काम है और ध्यान रखना जीरो से फोर कभी कभी खपला हो जाता है पता लगा हम भावुक होकर एरिया निकाल लिया और पता लगा पूछा कहाँ से कहाँ तक था पूछ लिया दो से लेके चार तक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक जीरो से फोर तक तो सर ये रहा ज़ीरो ये रहा कहाँ तक ये रहा सर वन से थ्री तक और फिर ये रहा ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया निगेटिव तो प्यारा बच्चों इसका मतलब ये हुआ यस इस सिचुएशन में अगर हम बात करें इसके एरिया की कैलकुलेशन की अरे आजा भैया रंग हाँ जी ये वाला एरिया ए वन कितना बेटा सर वन इंटू टेन यानी कि प्लस टेन आ जाएगा यस ये वाला एरिया यानी कि ए टू कैबेटे टू इंटू ट्वेंटी यानी कि फोर्टी आ जाएगा और तीसरा ये वाला एरिया वन इंटू माइनस टेन यानी कि माइनस टेन आ जाएगा बस सबका समिंग अप कर दीजिए जैसे सबको समिंग अप करेंगे तो यह आ जाएगा टेन प्लस फोर्टी माइनस टेन छा ये कितना जाएगा? 40, आ जाएगा फोर्टी के जी मीटर पर सेकेंड क्लियर है प्यारे बच्चों तो मैं क्या कर सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम सीधे सीधे इस एरिया से क्या कर सकता हूँ कैलकुलेट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जरूर देखें कि जीरो से चार ही दिया गया है दो से चार दिया गया है कहाँ से कहाँ तक दिया गया है इस बात पर मैं थोड़ा सा क्या करना है प्यारे बच्चों ध्यान देना है चले बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अगला सवाल ये देखिए रॉकेट ऑफ मास सिक्स हंड्रेड के जी सेट फॉर द वर्टिकल फायर इफ़ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ़ गैसेज आर थाउजेंड मीटर पर सेकंड एंड रॉकेट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलासिटी हाउ मच ऑफ द गैसेज आर इजेक्टेड पर सेकेंड ये जो क्वेश्चन हैं रॉकेट के वेरिएबल मास के सवाल इसमें दो बेसिक फार्मूले से ज़्यादा और कोई बनने वाला सवाल नहीं होता आइए जरा फटाफट से प्यारा बच्चे उस पर चर्चा करते हैं जो वेरिएबल मास में थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी ये हमेशा सब बच्चों को ध्यान रखना है ये मैंने थोड़ा पहले भी आपको बताया था यूज़ किया था पिछले क्वेश्चन वाटर का फायर आ रहा था वहाँ भी हमने इसको यूज़ किया था अब भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो जब रॉकेट एक्चुअली ऊपर जाता है रॉकेट ऊपर क्यों जाता है क्योंकि उसकी पूछ में आग लगी होती है आप समझ रहे हैं बात को हाँ तो इसलिए रॉकेट की पूछ में आग लग रही है तभी वो ऊपर जा रहा है इसलिए कभी भी जो प्रेशर अंदर बन रहा हो ना उसको ईजिली रिलीज ना करें वो आपको बढ़िया थ्रस्ट देगा तो खैर बात करते हैं तो रॉकेट पर प्यारे बच्चे थ्रस्ट फोर्स एक्चुअली रॉकेट में गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो इसको नीचे निकलने से इसको एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट फोर्स मिलता है बस इतना ध्यान रखना है बाकी और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और इसकी वजह से ही ये क्या करता है रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है अब चूंकि ग्रेविटी फ्री है तो एम नहीं होगा लेकिन अगर ग्रेविटी है चूंकि इसमें वर्टिकल वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब प्यारे बच्चों इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें एम जी इन्वॉल्व हो रहा है तो कितने फोर्स हो गए दो थ्रस्ट ऊपर एम नीचे तो क्या इट विल हैव एन एक्सलेशन बिल्कुल सही बात है तो मेरे पास एक्चुअली जो इसकी स्पीड बढ़ने का रेट होगा वो इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के कारण होगा इक्वेशन आपको लिखनी आती ही है लेकिन फिर एक मजेदार बात है इसमें क्या लिखा है कॉन्स्टेंट वे इसका मतलब इसका कोई एक्सल्रेशन नहीं है ये इससे क्या हो रहा है बैलेंस हो रहा है अगर ये इससे बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स था क्या नेट फोर्स क्या था बेटे थ्रस्ट माइनस एम और चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है कांस्टेंट स्पीड है तो ये टर्म क्या हो गी? जीरो तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा थ्रस्ट माइनस एम और थ्रस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम मुझसे क्या पूछ रहा है मुझसे पूछ रहे डी एम बाई डी की वैल्यू क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए तो बस अब तो सवाल हुआ रखा है वेलोसिटी ऑफ द गैसेस आर थाउजेंड मीटर पर सेकेंड यानी कि दिस इज थाउजेंड इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी एम कितना दे रखा है मुझे एम दे रखा है यहाँ से सिक्स हंड्रेड इंटू टेन और एक दो तीन एक दो तीन तो यहाँ से मेरे पास जो डी एम बाई डी टी होगा दिस डी एम बाई डी टी कम्स आउट टू बी सिक्स के जी पर सेकेंड एंड दिस इज द आंसर क्लियर है प्यारे बच्चों तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ इसका मास पर सेकंड कैलकुलेट कर सकता हूँ क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे एक सवाल और करा रहा हूँ मैं आपको इस पर ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए ए रॉकेट ऑफ मास टू थाउजेंड के जी इज इजेक्टिंग गैसेज एट रेट ऑफ फिफ्टी के जी पर सेकेंड विद स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना इसका मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है फाइंड आउट द एक्सन ऑफ द रॉकेट आफ्टर ट्वेंटी सेकंड ऑफ द फायरिंग हाँ बेटा ये रहा रॉकेट और कमाल की बात ये है बेटे रॉकेट ये टी बराबर जीरो की कहानी है और फिर हम पहुंच गए टी बराबर ट्वेंटी सेकेंड पर ओके सब बच्चे जानते हैं एम जी कहाँ लग रहा है नीचे और अभी बताया था बेटे रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स कहाँ लगता है ऊपर जो उसको लेकर के जाता है और इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इसमें अनाप शनाप थ्योरी है कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ इसी तरह से देख लेना आपका काम हो जाएगा है ना तो ये वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी का थ्रस्ट लग रहा है एम जी कहाँ लग रहा है बेटा नीचे चूंकि ग्रेविटी फ्री है तो उसका खेल खत्म तो यही वो फोर्स है जिससे रॉकेट को क्या मिलेगा एक एक्सलरेशन मिलेगा एम ए इज दैट क्लियर तो क्या फॉर्मूला बताया था सर ने सर ने बताया था नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सिंपली थ्रस्ट फोर्स दैट इज़ वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी और चूंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों एम इंटू ए होता है ये मास इंस्टेंटेनियस मास है ध्यान रखना क्योंकि रॉकेट का मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है आप सोचो हर सेकंड में 50 किलो लूज़ कर रहा है तो अगर हर सेकंड में 50 किलो लूज़ कर रहा है तो t बराबर जीरो पर अगर रॉकेट का वजन गैसेस के साथ कितना था टू थाउजेंड के जी था तो सोचो बेटे बीस सेकेंड के बाद कितना सेकेंड के बाद बीस सेकेंड के बाद इसका जो मास होगा रॉकेट का यस दैट इज वुड बी फिफ्टी इंटू ट्वेंटी यानी कि ये अब जो वजन है एक हजार किलो एक हजार किलो जो वजन होगा प्यारे बच्चों वो कम कर देगा तो टोटल कितना था टू थाउजेंड टोटल कितना था टू थाउजेंड इसमें से एक हजार कम हो गया तो इसका मतलब ये टर्म कितनी हो गई ये टर्म हो गई थाउजेंड इन टू एक्सेलरेशन इज एक टू वी यस गैसेस की स्पीड कितनी दे रखी है भाई 20 मीटर पर सेकेंड डी एम बाई ये मुझे दिया है 50 तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आगे कि मेरे बच्चों 20 इन टू फिफ्टी बाई थाउजेंड क्लियर है इट कम्स आउट टू बी वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है ना मजेदार सवाल आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए हैं पहले वाला भी और दूसरे वाला भी उसमें ग्रेविटी थी इसमें ग्रेविटी नहीं थी चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल फाइंड एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इन ईच केस भाई बहुत बढ़िया सवाल है सिंपल सा सवाल है कंपोनेंट सीखेंगे फोर्सेस के निकालने फिर एक्सलेशन निकालेंगे और साथ ही साथ क्या निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन है ना तो सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर वन को देखें कैस फिफ्टी के कंपोनेंट कर सकता हूँ यस सर दो कंपोनेंट होंगे ये होगा बेटे फिफ्टी कॉस सिक्सटी यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं ट्वेंटी फाइव होता है तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट थ्री नॉर्मल कहाँ लग रहा है ऊपर हंड्रेड कहाँ आ उपर, 100 कहां रहा होगा नीचे क्लियर है प्यारे बच्चों तो पहली इक्वेशन होगी एन प्लस ट्वेंटी फाइव रूट थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड तो मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट नॉर्मल रिएक्शन इज हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव रूट थ्री क्लियर हो गई बात तो यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है नॉर्मल रिएक्शन बात करते हैं एक्सेरेशन की तो एक्सेलेशन क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इधर पच्चीस लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है तो दिस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टेन यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज दैट क्लियर तो एक्सेलेशन आ जाएगा और नॉर्मल आ जाएगा ये बात हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्मल हमेशा एम के बराबर नहीं होता है नॉर्मल एम के बराबर केवल तब होता है जबकि ब्लॉक ग्राउंड पर रखा हो और एक्सेलरेशन क्या हो प्यारे बच्चों जीरो होता है क्लियर है ना हाँ अच्छा एक और बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद है यार थ्योरी की बात चल रही है तो क्यों ना एक पॉइंट पर छोटी सी चर्चा भी करें आपको सबको याद दिला दो हाँ प्यारे बच्चों एम जी कहाँ लग रहा है नीचे नॉर्मल कहाँ लग रहा है ऊपर और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या इस केस में नॉर्मल एम के बराबर होता है बात बिल्कुल सही है लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है प्यारे बच्चों वो ये है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं क्या नॉर्मल और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर हैं हैं या नहीं हैं है? नहीं हैं अच्छा हैं ओके बिल्कुल नहीं है नॉर्मल एम जी प्यारे बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते एम एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते नहीं 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 समझ में आया क्यों नहीं होते एक्शन रिएक्शन पेयर इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें जो अच्छा सा कमेंट आएगा उसका मैं खुद पर्सनल रिप्लाई करूंगा चलिए आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहां पे 20 का ये कंपोनेंट कितना होगा 20 कॉस सिक्सटी होगा और ट्वेंटी कॉस सिक्सटी अगेन हाँ प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई टेन आ गई इसी प्रकार ये वाली वैल्यू टेन रूट थ्री आ जाएगी इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये फोर्टी आ जाएगा इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये थर्टी आ जाएगा नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और 100 क्या होगा नीचे आइए फटाफट से उसकी इक्वेशन देखते हैं यानी कि n प्लस थर्टी प्लस टेन रूट थ्री यानी कि सारे वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटे 100 तो दैट नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 100 माइनस थर्टी माइनस टेन रूट थ्री यानी कि 70 माइनस टेन रूट थ्री इज दैट क्लियर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल रिएक्शन और अगर बात एक्सलेशन की करते हैं तो चूंकि इधर 40 है और इधर टेन है सो दैट एक्सलेशन इज इक्वल्स टू फोर्टी माइनस टेन एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेन सो इट कम्स आउट टू बी थ्री मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन क्लियर बारह बच्चों तो एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ जी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉग आ गया वे मेरा फेवरेट टॉपिक है आपका भी और मैं आपको इसमें सारे केसेस याद दिलवाऊंगा ए ब्लॉग ऑफ मास रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एज शोन दिन द फाइन द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड जमीन तक गुटके को पहुंचने में लगने वाले समय की कैलकुलेशन कीजिए है ना यस इंक्लाइन प्लेन पर प्यारे बच्चों कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें जैसे मैं आपको एक ही स्पेशल केस में सारी चीज़ें बताता हूँ अगर थीटा एंगल है एम मास का ब्लॉक है कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये जो स्लांट लेंथ है कौन सी लेंथ स्लांट लेंथ एस है तो सब बच्चे ध्यान दें कि जो एक्सेलरेशन ए होगा क्या होगा दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू यस दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा पहली बात वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचने से पहले अंडर ओ टू जी एस साइन थीटा और जो टाइम होगा मेरे बच्चों दैट टाइम इज इक्वल्स टू अंडर ओ टू एस अपॉन जी साइन थीटा ये अपने को ध्यान रखना है बहुत सिंपल से तीन फार्मूले हैं जो डायरेक्ट आप क्या करेंगे यूज करेंगे अच्छा इसमें एक स्पेशल केस और देख लें हाथ क्या अगर यही सिस्टम लिफ्ट के अंदर पहुंच जाए कहाँ पहुंच जाए बेटा लिफ्ट में और लिफ्ट कितना एक्सेलरेशन से जा रही हो ए नॉट से ऊपर जा रहे है। तो कुछ नहीं करना जहां जहां जी आ रहा है वहाँ जी प्लस ए नॉट कर दो तो इस केस में एक्सलेशन जी प्लस ए नॉट साइन थीटा आ जाएगा जो वेलोसिटी है कौन से पॉइंट पर इस पॉइंट पर यह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टू जी एस यस जी प्लस ए नॉट इंटू एस साइन थीटा आ जाएगा और टाइम आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू एस अपॉन जी प्लस ए नॉट इन टू साइन थीटा और अगर एक्सेलेशन नीचे हो जाए यानी कि तीसरी सिचुएशन यस yes, तीसरी सिचुएशन में अगर एक्सेलेसन नीचे हो जाएगा तो जहाँ प्लस था वहाँ क्या करना होगा माइनस करके अपना काम चला लेंगे यानी कि इन सारे के सारे फॉर्मूलों में हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस और माइनस कर देंगे बस ये ए नॉट नीचे वाली स्थिति में क्लियर हो गई अब तो भैया बल्ले बल्ले है क्या करना है इस सवाल में सर कुछ भी नहीं करना है चालीस मीटर ये थर्टी डिग्री तो थीटा कितने डिग्री दे रखा है थर्टी डिग्री क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है टेकन। तो भैया थर्टी यानी कि अंडर द रूट ऑफ टू इंटू फोर्टी अपॉन टेन इंटू साइन थर्टी बोले तो वन बाई टू ये कितना आगे बेटे फाइव ये आगे मेरे पास एट टू जै सिक्सटीन यानी कि फोर सेकेंड इज द आंसर क्लियर है ना समझ में आ गया क्या यस yes, तो देखो एक सवाल से हमने कितने सारे सवाल किए ये तब है जब जबकि सरफेस क्या है स्मूथ और बॉडी रेस्ट से गिर रही है तो अगर एक्सेलेटेड फ्रेम्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस वहाँ क्या करना है जी की जगह जी इफेक्टिव लगा देना है ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए नॉट नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए नॉट चले बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ जी इफ वेट अपेरेंट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट इज वन बाई फिफ्थ ऑफ हिज ट्रू वेट देन फाइंड द डायरेक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द लिफ्ट प्यारे बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखें जब कभी लिफ्ट ए नॉट से एक्सेलेट करती है तो उस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है यस यस सर हमें सब पता है मैं जानता हूँ भाई क्या बेटे वो एम जी प्लस एम ए नॉट होती है और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये किसी एक्सेलेशन ए नोट से प्यारा बच्चों नीचे जा रही हो तो नीचे जाने की स्थिति में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या वो एम जी माइनस ए नॉट होता है ये बात तो सबको पता है लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बच्चों शेयर करना चाहता हूं यहां वेट तो के लिए बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल और एक्चुअल वेट की बात करेंगे तो एम जी लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है वो क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कहीं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आ जाए जैसे लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड स्लो उून डाउन क्या कह रहे हो सर आप मैं कह रहा हूं लिफ्ट ऊपर जा रही है मूविंग अपवर्ड और क्या वर्ड यूज कर रहा हूं स्लोइंग डाउन तो स्लोइंग डाउन का मतलब एक्सलेशन वेलोसिटी अपोजिट होते हैं इसका मतलब एक्सलेशन कहां लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह हो कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो मूविंग अपवर्ड का मतलब एक्सलेशन ऊपर नहीं होता मूविंग अपवर्ड का मतलब होता है उसके मूव मारने की डायरेक्शन यानी कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी कि पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड स्लोइंग डाउन इसका मतलब एक्सलेशन कहाँ है डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड है तो फिर इसमें एम जी प्लस एम ए लगाएंगे एम जी माइनस एमए लगाएंगे सर इसमें लगाएंगे एम जी माइनस एम ए तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि यार स्पीडिंग अप है एक क्वेश्चन ऐसे छोटा सा मैं आपसे पूछ लूं जरा बताओ फटाफट से लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड स्पीडिंग अप क्या वर्ड यूज कराऊ स्पीडिंग अप यानी कि लिफ्ट कहाँ जा रहे हैं नीचे और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो ए की डायरेक्शन कहाँ होगी सर ए की डायरेक्शन नीचे होगी यस क्योंकि हमने बहुत पहले कहीं कैनमेटिक्स में शायद पढ़ा भी होगा प्यारे बच्चों कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल की स्पीड कम हो जाती है तो इसलिए स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन से मैं क्या कर सकता हूं एक्सलेशन की डायरेक्शन पे कमेंट कर सकता हूं अब फटाफट से चलते हैं प्यारे बच्चों इस सवाल की ओर इसकी थ्योरी मुझे लगता है शायद काफी हद तक मैं आपको बता चुका हूं अब बात करते हैं इफ वेट अपेरेंट ऑफ ए मैन इन द लिफ्ट इज वन बाई फिफ्थ ऑफ ऑफ ट्रू वेट देन द द द द डायरेक्शन एंड वैल्यू एक्सेलरेशन यानी कि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहली बात तो बताओ वजन बढ़ा कि घटा सर वजन तो कम हो रहा है क्यों क्योंकि पार्ट हो रहा है किसका इसके ओरिजिनल वेट का यानी कि इसका मतलब अगर एम जी एम जी है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है प्यारे बच्चों वो कितना है एम जी बाई फाइव है कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड है तो इक्वेशन मेरे पास होगी एन बराबर एम जी माइनस एम ए वाओ ये मेरे पास कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम जी बाई फाइव ये मुझे एम जी दिया है ये मेरे पास एम ए है तो प्यारे बच्चों एम ए की वैल्यू कितनी होगी एम जी माइनस एम जी बाई फाइव आ जाएगी मेरे ख्याल से फोर एम जी बाई फाइव आ जाएगा अरे समझ में आ रहा है कि नहीं ए, ये छम्मा छम्मा हो गए से की कम होती है, तो इसका आंसर मेरे पास होगा क्या ये आंसर होगा फोर जी फाइव फाइव एक्सलरेशन एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स क्लियर है प्यारे बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ बच्चों करते हैं अगला सवाल द रेशियो ऑफ देंट वेट ऑफ द पर्सन इज थ्रीज टू वन when the lift is accelerating up initially and then down with the same acceleration then the find acceleration of the lift to pehle bachcho aap se keh raha hai lift ka acceleration kya kijiye calculate sab bachche jante hain agar koi lift upward accelerate kar rahi hai to upward accelerate matlab मतलब, sir so normal reaction is equals to mg plus ma है ना भाई और फिर क्या कह रही है प्यारे बच्चों Down with same acceleration, down के केस में दैट एन टू इज इक्वल्स टू एम जी माइनस तो आपसे कह रहा है एक्सलूशन ऑफ द लेफ्ट कैलकुलेट कीजिए और अपेरेंट वेट आपको दे रखा थ्री इज टू वन अपेरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो यानी कि सर इसका मतलब यहाँ से एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए अपॉन एम जी माइनस ए छम्मा छम्मा ये बेटा कितना थ्री ये कितना वन तो थ्री इज टू वन यस थ्री अपॉन वन इज एक टू जी प्लस ए अपन जी माइनस ए ये इधर चला गया थ्री जी माइनस थ्री ए इज एक टू जी प्लस ए हाँ प्यारे बच्चों तो ये मेरे पास आ गया टू जी इज एक टू फोर ए यानी कि दैट एक्सेलरेशन इज ट्वेंटी बाई फोर डेट इज फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्लियर है? है ना मज़ेदार सवाल कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शंस के सवाल जिनमें वेट दिया होता है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं चले बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल आइए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल ये मंकी ऑफ मास 20 केजेस क्लाइंबिंग ऑन अ रोप इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 250 फाइव जीरो न्यूटन फाइंड मैक्सिमम एक्सलेन विद विच मंकी कैन क्लाइंब प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं पहला केस हाँ जी अगर मंकी जीरो एक्सेलरेशन यानी कि तो रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है दूसरा केस हाँ बेटे मंकी किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और तीसरा केस मंकी किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है सेम लिफ्ट वाला कंसेप्ट है टेंशन कहाँ लग रही है ऊपर रस्सी के अंदर यस एम जी कहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों नीचे 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 तो तीन इक्वेशन हो गई पहली इक्वेशन आती है टेंशन एम जी के बराबर है दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों एम जी प्लस एम ए है और थर्ड में यस एम इंटू जी माइनस ए है तो मेरे पास तीन इक्वेशन होगी आओ फटाफट से सब क्वेश्चन पढ़ते हैं यस मंकी कैन क्लाइम यानी कि इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है तो इक्वेशन क्या बनेगी सर टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए प्यारे बच्चों जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वर्ड है ना यानी कि रस्सी टूट जाएगी ये बेसिकली एक तरह से टेंशन की वैल्यू होती है तो ये आपको कितनी दे रखी है दिस इज़ टू फाइव ज़ीरो मजे आ गए टू फाइव जीरो मास ऑफ द माउ के कितना दे रखा है ट्वेंटी इंटू टेन प्लस ए ये छम्मा छम्मा हो गए तो ट्वेंटी फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू एक टेन प्लस ए तो ये आ जाएगा मेरे पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस टेन यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्लियर है प्यारे बच्चों तो इस तरह से अपने को क्या करना होता है रस्सी में मंकी वाले सवालों से घबराना नहीं है बस ध्यान से पढ़ना है कि एक्सेलेटिंग अपवर्ड या एक्सेटिंग डाउनवर्ड और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या यूज करना है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब हमें यूज करना है यहाँ पर एक वर्ड टेंशन यानी कि आपको अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया है इसका मतलब आपको टेंशन दिया है चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों एक पुली आपको दी हुई है ये बहुत सिंपल सा सवाल आप अच्छे से जानते हैं एटवुड मशीन आपकी फेवरेट एटवुड मशीन यस ये क्या है क्या प्यारे बच्चों इस पर टेंशन टी लिखेंगे इस पे टेंशन टी लिखेंगे इस पे थ्री जी लिखेंगे इस पर क्या लिखेंगे टू जी लिखेंगे ये ए से नीचे जाएगा और ये ए से कहाँ जाएगा ऊपर और इसकी कितनी इक्वेशन बन गए अपने पास टू इक्वेशन यस थ्री जी माइनस टी बराबर थ्री ए हाँ जी और t माइनस टू जी बराबर टू ए क्लियर है बस दोनों इक्वेशन को एड अप कर देंगे अड़े अड़े अप करके प्यारे बच्चों मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा थ्री माइनस टू इंटू जी अपॉन थ्री प्लस टू और वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए अगर ये फिक्स हो क्या हो प्यारे बच्चों सिस्टम फिक्स हो तो इस केस में जो मेरे पास एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का आता है वो आता है एम वन माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू जहाँ पर एम वन किस से बड़ा होता है एम टू से और बात टेंशन की है तो यह आती है टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू क्लियर रहा भाई वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा और कमाल की बात है यहाँ पे टेंशन पूछेगा तो कितना होगा टू टी होगा ये हमेशा ध्यान रखें सो दैट टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग दैट इज़ टू टी दैट इज़ फोर एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू क्लियर है और मज़ेदार सवाल कब बनता है मज़ेदार सवाल तब बनता है जब ये पूरी के पूरी पूली का सिस्टम किसी लिफ्ट में होता है माना एम वन है एम टू है इसका एक्सेलरेशन कितना है मेरे बच्चों ए नॉट और आपसे कह रहा है रस्सी में क्या बताओ टेंशन बताओ तो कुछ नहीं करना है यार ऊपर मतलब जी प्लस ए नॉट लिफ्ट में ए नॉट ऊपर मतलब जी प्लस ए नॉट तो सर जो टेंशन आएगी that is 2 m 1 m 2 g plus g plus a naught divided by m 1 plus m 2 okay. तो ये अपने को यहाँ पर करना है इसी प्रकार ये नोट से नीचे आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा है ना क्लियर एटवुड मशीन का कंसेप्ट है इसमें आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा अगर आप सीधे सीधे प्यारे बच्चों इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे और ध्यान रहे कि जो पुली यूज करते हैं ये मासलेस होती है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता और पूरी रस्से में टेंशन क्या रहती है सेम रहती है चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों ये सवाल आप देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन का सवाल है कुछ बिना दिमाग लगा सबसे पहला काम इंक्लाइन प्लेन की तरफ लिखना होता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट वेरी गुड इधर की तरफ क्या लिखना है मेरे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लिखना है सिक्स जी कॉस थर्टी डिग्री क्लियर है भाई यहाँ टेंशन कितने बेटे टी यहाँ पे टेंशन कितनी टी और यहाँ पे क्या लग रहा होगा फोर जी लग रहा होगा अब मुझे एक बात समझ में आ रही है सिक्स जी साइन थर्टी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थर्टी है और बेटे इधर की तरफ फोर जी यानी कि फोर्टी है तो ऐसी फील आ रही है जैसे सिस्टम इधर की तरफ जा रहा होगा ओके यस सर यानी कि ये सिस्टम कुछ इधर की तरफ मूव कर रहा है तो एक काम करते हैं सबसे पहले इसका ये वाला सिंपल डायग्राम बना देते हैं जिसमें एक्सटर्नल फ़ोर्स 4g दिखाई दे रहा है और जिसमें इधर की तरफ 30 दिखाई दे रहा है यस yes, इसका मास है फोर इसका सिक्स चूँकि ये 40 ज़्यादा लग रहा है तो चूँकि इसका ए इधर मान लिया जाए तो ए इज़ इक्वल्स टू सर ने बताया था नेट फोर्स अपॉन टोटल मास तो बेटे नेट फोर्स कितना है सर 40 माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई फोर प्लस सिक्स यानी कि 10 आ जाएगा तो 10 बाई टेन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्यार आर बच उसका एक्सेलेशन आ जाएगा क्लियर है एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा करके कि किसी भी एक इक्वेशन एक में रख देंगे तो टेंशन निकल जाएगी तो चाहे तो यहाँ से इक्वेशन बनाए चाहे यहाँ से तो एक काम करते हैं यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं फोर जी माइनस टी इज एक टू फोर इंटू ए फोर्टी माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटे वन तो यहाँ से मेरे पास जो टी होगा दैट वुड बी फोर्टी माइनस फोर यानी कि थर्टी सिक्स न्यूटन तो इसका मतलब मेरे पास दोनों आंसर आ गए रस्सी में टेंशन और एक्सेलरेशन मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं चलें करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों ये इक्विलिब्रियम का सवाल है बहुत स्टैंडर्ड सवाल है आइए फटाफट से देखें यह सबसे पहला काम है बी डी बनाना है थ्री जी लग रहा होगा इधर की तरफ एक रस्सी में टेंशन टी वन टी टू चूँकि ये वाला एंगल नाइनटी डिग्री है तो ये वाला एंगल सिक्सटी डिग्री होगा ये वाला एंगल सिक्सटी डिग्री होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये टी वन है ये टी टू है क्या ये थर्टी है बिल्कुल सर यहाँ से इसके दो कंपोनेंट मुझे मिलने वाले होंगे टी टू कॉस सिक्सटी टी टू साइन सिक्सटी और इधर बात करें तो हाँ बेटा इधर बात करें तो टी वन टी वन साइन सिक्सटी और बेटे इधर की तरफ इसका कंपोनेंट इधर मिलने वाला है टी वन हाँ बेटा कॉस सिक्सटी तो अब चूंकि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट एंड अप इज इक्वल टू डाउन इक्विलिब्रियम के हिसाब से तो सर जी टी वन साइन सिक्सटी इज इक्वल्स टू T2 टू साइन सिक्सटी बेटा चम्मा चम्मा हो गए तो T1 किसके इक्वल आ गया T2 के इसको क्या कहूँ T कहूँ और चूँकि y वाली इक्वेशन जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज T1 वन कॉस सिक्सटी प्लस टी टू कॉस सिक्सटी दैट इज इक्वल्स टू थर्टी तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये T हुआ तो इसका मतलब सर 2t टी कॉस सिक्सटी बराबर कितना आ गया 30 यानी कि T कॉस 60 कॉस 60 भैया कॉस सिक्सटी सर वन बाई टू इज इक्व टू फिफ्टीन आ जाएगा तो यानी कि टी मेरे पास आ जाएगा बेटे कितना थर्टी न्यूटन क्लियर है तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस है फोर्सेस को बैलेंस करके आई कैन गेट द आंसर क्लियर है और चूंकि जो टी है वही टी वन है और वही क्या है टी टू तो यही प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ जी एक पुली का सिस्टम दिया गया थीटा पूछ रहा है प्यारे बच्चों एक पुलिवरियम के लिए सारे मासेस एम एम है तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं यस इसमें एम जी लगा इस रस्सी में टेंशन टी चूँकि सिमेट्रिकल है तो जैसी टेंशन इसमें होगी प्यारे बच्चों उतनी ही टेंशन इसमें आएगी ये एम जी होगा ये भी क्या होगा एम जी होगा यहाँ पर टेंशन इधर होगी और यहाँ पर टेंशन प्यारे बच्चों इधर होगी क्लियर है यस अब क्या करना है अपने को चूंकि इक्वलीबीरियम में है यानी कि हर जगह पर एक्सेलरेशन क्या है जीरो तो एक बार इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर इसकी इक्वेशन बनेगी टी इज इक्वल्स टू एम जी इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेंशन के कॉस वाले कंपोनेंट यानी कि टू टी कॉस थीटा आ जाएंगे और एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों इधर की तरफ तो टी साइन थीटा और इधर की तरफ टी साइन थीटा होगा ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास वाई में बचेंगे यानी कि दैट वुड बी दैट टू टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो टू इंटू एम जी थीटा इज इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से कैंसिल तो थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू और आप सभी जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60 तो 60 डिग्री तो यानी कि दैट थीटा इज एक डिग्री क्लियर है तो इसका मतलब इसका आंसर इक्वलिवीरियम में कितना आएगा इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री ठीक है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ जी इन अ गिवन सिस्टम एक्सलेशन ऑफ फिफ्टीन के जी ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्न द फाइन द एक्सलेशन ऑफ 10 के जी ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट प्यारे बच्चों स्प्रिंग के बारे में एक सबसे बढ़िया बात क्या है ध्यान रखें जो स्प्रिंग होती है ये स्प्रिंग मासलेस है है ना दैट आइडल स्प्रिंग इज और मासलेस स्प्रिंग में कमाल की बात ये होती है कि पूरे स्प्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहती है सेम रहती है जितनी फोर्स यहाँ होगी उतनी फोर्स यहाँ होगी उतनी फोर्स यहाँ होगी क्लियर है अच्छा और आप क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए स्प्रिंग को रस्सी से भी क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो खैर मज़ेदार बात क्या है ये जरा ध्यान से देखें ये फिफ्टीन के है ये सिक्सटीन न्यूटन का फोर्स है तो ऑबियस है कि क्वेश्चन में जो मुझे दिया है एक्सलेशन ऑफ फिफ्टीन के जी इज वॉट जैसे टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मैं कह रहा था कि यार इस पर इधर की तरफ एफ पी के जो अपना स्प्रिंग फोर्स है वो एज्यूम कर लेते हैं तो सबसे पहला काम पूरे स्प्रिंग में फोर्स क्या रहेगी सेम इस स्प्रिंग की फोर्स इधर है तो ऑब्वियस इसको आगे ले जाने के लिए स्प्रिंग फोर्स आगे होगी लेकिन पूरे स्प्रिंग में फोर्स क्या रहेगी सेम आपसे कह रहा है इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए स्ट्रिंग होती तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होते लेकिन स्प्रिंग में दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन क्या हो सकते हैं अलग अलग लेकिन फोर्स क्या रहेगी सेम अब सबसे पहला काम क्या करते हैं इस वाली बॉडी के लिए सॉल्व करते हैं जब इस वाली बॉडी के लिए सॉल्व करेंगे तो सिक्सटी माइनस एफ एस पी इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टू है ना बेटा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन तो यहाँ से जो मेरे पास एफ एस पी आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी सिक्सटी माइनस थर्टी यानी कि थर्टी न्यूटन क्लियर है और जो थर्टी न्यूटन आएगा ऑब्वियसली यहाँ थर्टी न्यूटन लग रहा होगा क्योंकि टेन के जी वाले ब्लॉक पर केवल एफ एस पी लग रहा है जो कि कितने न्यूटन है थर्टी न्यूटन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ए द मास ऑफ द बॉडी इज टेन थर्टी इज इक्वल्स टू टेन इन टू ए से दैट ए कम्स आउट टू बी थ्री मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर तो क्या खास बात ध्यान रखनी है हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ पर कभी भी दोनों बॉडीज़ के एक्सेलरेशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरे में फोर्स क्या रहती है सेम क्योंकि मासलेस स्प्रिंग में एफ क्या रहती है प्यारे बच्चों सेम रहती है तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा लॉजिक था जिसका हमें ध्यान रखना है इसलिए यहाँ पे वो एक्सटर्नल फोर्स बराबर टोटल मास वाला फंडा नहीं लगेगा अगर आप सोचो इसका टू और इसका भी टू होगा नहीं पहले एफ़ निकालेंगे फिर एफ से सॉल्व करके प्यारे बच्चों ए की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है एक्सलेशन ऑफ फाइव के जी ब्लॉक इज इतने देन फाइंड एक्सलेशन ऑफ टेन के जी ब्लॉक हाँ प्यारे बच्चों टेन के जी वाले ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना है और फाइव के जी टूवर्ड्स टेन के जी कमाल की बात यह कि फाइव के जी किधर जा रहा है टेन के जी की तरफ प्यारे बच्चों मूव कर रहा है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं मुझे एक्सेलेशन दिया है इसका कितना जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी अभी सर ने क्या बताया था सर ने बताया था कि स्प्रिंग फोर्स क्या रहती है स्प्रिंग फोर्स क्या रहती है प्यारे बच्चों सेम रहती है क्लियर है आओ वाओ तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी सर एफ एस पी माइनस टेन इज इक्वल्स टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर दैट एफ एस पी इज इक्वल्स टू टेन प्लस और ये कितना जाएगा भाई फाइव फोर जा ट्वेंटी यानी कि टू आ जाएगा तो एफ एस पी आ गया प्यारे बच्चों ट्वेल्व न्यूटन जितना एफ इसमें होगा क्या उतना ही एफ एस का होगा वाओ क्या एक नया प्रॉब्लम बन गया है बिल्कुल इसका एक्सलेशन ए वन घर मान लेते हैं तो इसकी इक्वेशन होगी ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू बेटा टेन इंटू ए वन से यानी कि एट इज ए वन दैट ए वन इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या सब बच्चों को क्लियर है तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ इस बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ <laughs> हाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है प्रोबेबल क्वेश्चन है आने की संभावना है बहुत आसान है बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है अपने को पहले तो सवाल पढ़ते हैं फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर वॉट स्ट्रिंग इज कट स्ट्रिंग के कट करने के बाद प्यारे बच्चों बॉडीज के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे अपन बोलते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग वॉट इज दिस लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग बेसिकली ये होता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है कौन सा फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स इट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली ये इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता यानी कि इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो इस रस्सी के कटने पर जो स्प्रिंग फोर्स पहले आ गया होगा वो अभी भी उतना ही रहेगा तभी तो झटके से ये ऊपर जाता है अगर ये फोर्स सोचो पहले शुरुआत करते हैं चलिए देखें थ्री जी कहाँ लग रहा है नीचे रस्सी के कटने से पहले की बात कर रहा हूँ तो क्या इसमें टेंशन टी आ जाएगी बिल्कुल साहब ये थर्टी होगा ऊपर वाले में टेंशन नीचे की तरफ लग रही होगी और ये जो एफ एस पी है प्यारे बच्चों ये एफ एस पी यस टू जी नीचे के साथ साथ और ये थर्टी आ गया अगर तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल फिफ्टी न्यूटन कितने न्यूटन इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के पास फिफ्टी न्यूटन फोर्स ऊपर है नीचे थर्टी प्लस ट्वेंटी लग रहा है और ये कहानी है कब की ये कहानी है तब की जब जबकि कोई रस्सी नहीं कटे यानी कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं यानी कि अगर मैं इसका एफ बनाऊं तो थ्री के वाली बॉडी पर थ्री जी नीचे लग रहा होगा टी वन बराबर थर्टी लग रहा होगा और इस वाली बॉडी पर एफ एस पी फिफ्टी लग रहा होगा और नीचे की तरफ टू जी और टी वन बराबर थर्टी लग रहा होगा दैट इज़ सिचुएशन ओके ये कहानी कब की है ये कहानी तब की है जबकि स्ट्रिंग नहीं कटी है तो सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहला काम आपको फोर्सेस लिखना है फिर इसके बाद क्या कह रहा है स्ट्रिंग इज कट तो प्यारे बच्चों जैसे स्ट्रिंग क्या करती है कट करती है स्ट्रिंग के कट करने पर स्ट्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता इंस्टेंटेनियसली जबकि ये फोर्स क्या हो जाएगी ज़ीरो यानी कि आफ्टर कटिंग की बात करें आफ्टर कटिंग की बात करें तो आफ्टर कटिंग में प्यारे बच्चों ये थ्री जी है क्या इस पर टेंशन कितनी आ जाएगी ज़ीरो और जो ऊपर वाले ब्लॉक पर इस पर भी टेंशन कितनी आ जाएगी ज़ीरो और कमाल की बात इसका वजन कितना था ट्वेंटी नीचे लग रहा था अब बात करते हैं एफएसपी की क्या एफएसपी को चेंज होना चाहिए नहीं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होते तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स कितना रहेगा ऊपर वाला फ़ोर्स 50 रहेगा अब क्या करना है अब बस सीधे सीधे अनबैलेंस फोर्स है अगर बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स होता है अनबैलेंस मतलब जो बराबर ना हो जैसे नीचे 30 लग रहा है ऊपर जीरो लग रहा है तो बॉडी क्या करती है एक्सेलेट करती है तो अगर इसका एक्सेलेशन कितना है ए तो मैं लिख सकता हूँ ए वन इज इक्वल्स टू सिंपल थर्टी और इसका मास कितना होगा थ्री तो ये वाला तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा होगा और इस वाले में 50 ऊपर 20 नीचे अनबैलेंस फोर्स यानी कि ये a2 होगा तो यहाँ से जो a2 होगा दैट a2 टू इज़ फिफ्टी माइनस ट्वेंटी और ये मेरे पास कितना है 2 यानी कि 30 बाई टू से फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स क्लियर है व्यारे बच्चों तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है सॉल्व करना होता है यानी कि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होते इसकी टेंशन कितनी भी बदल जाए इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है तो प्रोसेस क्या है फिर एक बार रिपीट करता हूँ सबसे पहले एफ बी डी बनाइए सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लिखिए फिर जहाँ रस्सी को कट किया है उस फोर्स को क्या कर दीजिए ज़ीरो कर दीजिए नीचे ज़ीरो तो इसके लिए भी ज़ीरो इसके लिए भी जीरो फिर स्प्रिंग फोर्स को चेंज मत कीजिए यानी कि फिफ्टी था तो फिफ्टी ही रहेगा अनबैलेंस फोर्स के हिसाब से एक्सेशन लिख दीजिए और इस तरह से आप एक्सलेशन ए वन और ए टू की वैल्यू प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है जू का तू है ना जेई मेन्स में भी आ चुका है नीट में भी चुका तो रिपीट हो चुका और इसका रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया से याद करना होगा है ना आइए जरा ध्यान से देखना और समझना भी होगा इन द गिवन सिस्टम फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल देंटलेशन ऑफ द वेज फॉर विच ब्लॉक रिमेंस एट रेस्ट विद टू वेज यानी कि ये वाला ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा रेस्ट पर रहेगा इसका यह मतलब नहीं है कि रेस्ट पर रहेगा इस पर बैठ जाऊंगा तो मुझे रुका हुआ दिखाई देगा वो ये कहना चाह रहा है वैसे तो दोनों ए से आगे जा रहे होंगे ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को क्या लग रहा हो सर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये लग रहा होगा जो जमीन पर खड़ा है इसको क्या लग रहा होगा इसको लग रहा होगा ये भी ए से आगे जा रहा है और ये भी ए से आगे जा रहा है यानी कि थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी लेकिन जो ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा है वेज पर यहां पर उसको क्या लग रहा होगा उसके हिसाब से प्यारे बच्चों इस वाले ब्लॉक का एक्सलेशन क्या होगा जीरो जबकि खुद ये वाला ऑब्जर्वर किसी एक्सेलेशन ए से क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना होगा और ये कहना क्या जा रहा है इस बात पर चर्चा करनी होगी इन द गिवन सिस्टम फाइंड आउट द ओरिजेंटल एक्सेशन ऑफ द वैच फोर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वैच तो मुझे क्या करना है सबसे पहला काम हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को इसका आंसर याद है क्या आंसर है सर मुझे इसका आंसर याद है एक्सेलरेशन होता है यस जी टेन थीटा बिल्कुल सही और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है सर नॉर्मल रिएक्शन होता है पहली बार एम जी थीटा नहीं बल्कि एम जी बाई थीटा हाँ प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड सवाल है याद रखें रिजल्ट्स, नीट में तो टिक लगाना है बाकी प्रूफ तो करेंगे ही क्यों चिंता करते हैं है ना तो अब चाहे तो आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं मैं फटाफट से आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ है ना प्यारे बच्चों आंसर आ ही गया है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एम जी बाई कॉस्थिटा आ जाता है तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं यस उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि कहाँ पर बैठा है ग्राउंड पर ग्राउंड पर बैठा है तो उसके हिसाब से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है क्या इस पर एम जी कहाँ लग रहा है नीचे प्यारे बच्चे नॉर्मल लग रहा है ये एंगल कितना है थीटा ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर कभी भी सीडो फोर्स नहीं लगाता चलिए एन के कितने कंपोनेंट कर दीजिए दो कंपोनेंट कर दीजिए ये थीटा है प्यारे बच्चों ये थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा यानी कि सर इस सिचुएशन में ऊपर एन को थीटा होगा इधर की तरफ प्यारे बच्चों एन साइन थीटा होगा नीचे एम जी होगा और एक्सलेशन ए होगा तो यहाँ से मेरे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और ये आ गई एन साइन थेटा इज इक्वल्स टू एम एम क्लियर है प्यारे बच्चों बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा इज टू आ जाएगा ए बाई जी तो ए बराबर आ जाएगा जी टेन थीटा और इस वाली इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन से दट एन थीटा इज इक्वल्स टू सो दैट एन इज इक्वल्स टू थीटा क्लियर है दैट्स इट हो गया काम अच्छा अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वेज पर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे जब आप वेज पर बैठ जाएंगे तो वेज पर बैठ करके ये ए से जा रहा है तो इधर की तरफ सीडो फोर्स कितना लगेगा सर सीडो फोर्स लगेगा एम ए बिल्कुल सही बात है और इसका एक्सलेशन तो कितना है जीरो क्या बेटे नॉर्मल इधर लग रहा होगा बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी साइन थीटा इधर की तरफ क्या लग रहा होगा एम जी कॉस् थीटा चूंकि ये एंगल कितना है थीटा तो प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट होगा एम ए कॉस् थीटा और नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा एम ए साइन थीटा ठीक है तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ एम ए थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा सो आंसर कम्स आउट टू a ए इज इक्वल्स टू जी थीटा क्लियर वैर बच्चों तो देख लो जैसे आपका मन करे नहीं तो याद कर लो अपना तो भैया रटने का काम है मेडिकल नीट एस्पिरेंट्स हैं सीधे सीधे रिजल्ट रटो कि अगर साथ साथ चलना है तो जी टेन थीटा होता है और इसमें एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ छोटा सा प्यारे बच्चों यस yes, एक सवाल मैं आपको इसमें और बता देता हूँ कि अगर इसमें कहे कि साथ साथ चलने के बजाय साथ साथ चलने के बजाय एक सवाल और बताता हूँ कि अगर एक्सेलरेशन ए इधर दे दिया जाए और बोले कि फाइंड ए सो दैट फाइंड ए यस सच दैट सच दैट स्मॉल एम लूज द कॉन्टेक्ट लूजेज द कॉन्टैक्ट है ना ए की वो वैल्यू बताओ ताकि एम क्या करें इससे कॉन्टैक्ट लूज कर दे तो भैया आंसर बदल देना ए थीटा जी टेन थीटा की जगह जी कॉट थीटा कर देना तो दो अलग अलग सवाल हो गए प्यारे बच्चों आपके पास साथ चलने के लिए जी टेन थीटा कॉन्टैक्ट छोड़ने के लिए जी कॉट थीटा आया ना मजा चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल अगर आपने ढंग से रिवीजन कर लिया बहुत ज़्यादा उधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने सिस्टम को आप फॉलो कीजिए आप किसी भी सिस्टम में पढ़ रहे हो आप उस सिस्टम को ढंग से फॉलो कीजिए प्यारे बच्चों जो आपका पूरा कोर्स है नीट की बात करूँ अगर आप ढंग से रिवाइज कर पाए तो आप विश्वास कीजिए आपका सिलेक्शन होगा चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हाँ प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं सीडो फोर्स के ऊपर बहुत प्यारा सवाल है फाइंड वैल्यू ऑफ ऑरिजेंटल फोर्स एफ फोर विच ब्लॉक ऑफ मास एम वन एंड एम टू रिमेन्स एड्रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एम थ्री बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ जाए तो सवाल भारी नहीं है लेकिन होता क्या है कि हम क्या करते हैं

उतने ही एक्सलेशन से ये जा रहा है और उतने ही एक्सलेशन से ये जा रहा है अरे हुए तो कह रहे हैं कि ये दोनों रेस्ट पर हैं बिल्कुल रेस्ट पर है उस ऑब्जर्वर के लिए जो कहां पर बैठा है यहां पर मैं आपको दोनों सिचुएशन बताने वाला हूं तो पहली बात तो ये समझिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया नहीं दिया ना आपका ध्यान तो रेस्ट पर अटक गया एक्चुअली वो ये कह रहा है कि इसका इसका इसका, इसका यानी कि तीनों के एक्सेलरेशन क्या होने चाहिए तीनों के एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों सेम होने चाहिए क्योंकि अगर तीनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे तो अगर आप इस बड़े ब्लॉक पर बैठ जाएंगे जैसा वो कह रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में हाँ बेटे इसका एक्सेलेशन जीरो आ जाएगा और इसका एक्सेलेशन भी जीरो आ जाएगा उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि इसका खुद का एक्सेलेशन ए नॉट है इसका भी ए नॉट है तो इसका ए नॉट उल्टा करके जब इसको देंगे रिलेटिव से आपने सीखा होगा तो इसका एक्सेलेशन जीरो आ जाएगा आशा करता हूँ लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में तो क्या कह रहा है इसके रेस्पेक्ट में यस yes, जो खुद कितने से जा रहा है ए नॉट से इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पर हैं। है क्वेश्चन क्लियर है यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तीनों का एक्सीलरेशन ए नॉट है अच्छा अब प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्या जानते हैं सर आप सभी जानते हैं कि अगर तीनों का एक्सलेशन सेम है तो क्या इसको सिस्टम मान सकते हैं बिल्कुल प्यारे बच्चे उसको एक सिस्टम मान सकते हैं और सिस्टम का जो एक्सलेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास यानी कि दिस एफ अपॉन एम वन एम टू एम थ्री यानि के एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ये मेरे पास एक्सलेशन आ गया दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है प्यारे बच्चो हाँ जी फिर अब क्या कह रहा है अब चूंकि इसका एक्सलेशन जीरो इसके रेस्पेक्ट में और ये कैसा ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर तो क्या ये इधर बेटे सीडो लगाएगा क्या इधर की तरफ प्यारे बच्चों एक टेंशन टी है क्या इस पर भी एक टेंशन टी है और नीचे एम टू जी लग रहा है इधर की तरफ एक सीडो आएगा और इधर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी क्लियर अब चूंकि एक्सलेशन जीरो है तो फोर्स बैलेंस कर दीजिए तो यहाँ से यस is equals to m1 a और यहाँ से जो टेंशन है तो ए नॉट की वैल्यू एम टू जी अपॉन एम वन आ जाएगी बस इसको उठाइए ये है इक्वेशन नंबर वन ये है बेटे इक्वेशन नंबर टू तो, वन और टू तो को सॉल्व कर दीजिए वन और टू को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी एंड यू विल गेट द आंसर यस आपके पास प्यारे बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा थाना मज़ेदार सवाल चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों वैसे कंस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन फिर भी एक कंस्टेंट का एक दो बेसिक सवाल हम लोगों को कर लेना चाहिए यस yes, आपसे कह रहा है ए ब्लॉक की स्पीड क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए तो प्यारे बच्चों कंस्टेंट मोशन का सवाल होता है कंस्टेंट मोशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं यस yes, टेंशन टी टे लिखते हैं रस्सी के अंदर इस तरह से और चूंकि इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी को वी मानेंगे इसकी वेलोसिटी इधर है ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना आएगा बेटे 120 डिग्री आ जाएगा पूरे सिस्टम पर टेंशन का डन कितना होता है जीरो होता है तो सबसे पहला काम यहां यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे यस टी वी कॉस फिफ्टी फिर प्लस लगाएंगे टी वी यानी कि टी इंटू टेन इंटू कॉस वन ट्वेंटी डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे जीरो यहाँ से प्यारे बच्चों टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगी वी कॉस फिफ्टी थ्री जी हाँ वी कॉस फिफ्टी थ्री मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कॉस 53 मतलब 3 बाई फाइव हाँ जी और ये आएगा बेटे मेरे पास कॉस 120 टवेंटी माइनस हाफ होता है तो प्लस टेन इंटू माइनस वन बाई टू से दिस इज थ्री वी बाई फाइव माइनस फाइव इज एक थ्री बी बाई फाइव इज एक बी इज एक फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड इज द आंसर क्लियर है प्यारे बच्चों तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कंस्टेंट मोशन से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल टू ब्लॉक्स ऑफ मास टू के जी एंड थ्री के जी आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग ऑफ मास वन के जी

ये बेटे टू के जी लग रहा है तो इस पर टू जी नीचे लग रहा होगा इस रस्सी के तीन पार्ट पर आपको टेंशन निकालनी इस पर इस पर और इस पर ये वाला पॉइंट है ए ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी और इधर की तरफ प्यारे बच्चों मास कितना है थ्री के जी स्ट्रिंग का वजन कितना है वन के जी है तो शुरू करते हैं सबसे पहला काम यहाँ पर जो टेंशन है मान लीजिए सिस्टम में टेंशन टी लग रही है एंड द होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ओके okay? चलिए तो सबसे पहला काम सबसे पहला काम तो सर दिखाई कम दे रहा है जल्दी से फटाफट से पीले वाला पेन ले लीजिए लो बाबूजी अब एक काम करते हैं सबसे पहले इस वाले पार्ट पर टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट पर टेंशन निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ से अलग कर देंगे और ये पूरा सिस्टम ऐसे बना लेंगे यस दिस इज द टेंशन एट पॉइंट ए थ्री जी नीचे लग रहा है इस रस्सी के वजन के हिसाब से वन जी नीचे लग रहा है दिस इज द मास ऑफ द रॉफ इन जी क्योंकि हमें वर्टिकल में मास ऑफ द रोप लेना पड़ता है और प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन ए दिया है फाइव मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्लियर है तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से इस इक्वेशन में इसका वो मास आ चुका है बिल्कुल सर इसका आ चुका है इसका आ चुका है तो इक्वेशन हो गई सर टी ए माइनस थ्री जी थ्री जी फिर इसके बाद माइनस वन जी इज़ इक्वल्स टू हाँ जी ये मेरे पास कितना है ये मेरे पास है वन प्लस थ्री इन टू एक्सलेशन प्यारे बच्चों फाइव तो यहाँ से मैं टेंशन ए पर निकाल सकता हूँ दैट टेंशन एट ए इज थर्टी प्लस टेन प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी यानी कि इट कम्स आउट टू बी सिक्स टी न्यूटन इसके बाद प्यारे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ बी पॉइंट पर टेंशन निकालने वाला हूँ जब बी पॉइंट पर टेंशन निकालेंगे तो बी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हाँ बेटा पी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस रस्सी को इस बार यहाँ से ब्रेक कर देंगे ए इस जगह से ठीक है तो और पॉइंट पर टेंशन क्या लिखेंगे इस पॉइंट पर टेंशन बेटे टी वी लिखेंगे इसका वजन इसके हिसाब से थ्री जी नीचे और प्यारे बच्चों हाफ जी रस्सी का वजन क्योंकि अब हाफ के जी रह जाएगा ना मिड पॉइंट की वजह से mm -hmm. और एक्सलेशन कितना गिवन है मुझे दैट इज फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भाई फटाफट से इक्वेशन बताओ सर टी बी माइनस थर्टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू हाफ प्लस थ्री दैट इज द टोटल मास इनटू फाइव तो यहाँ से मेरे पास टी बी माइनस थर्टी फाइव इज इक्वल्स टू यस हाँ बेटे कितना आ गया यह आ जाएगा सर सेवन बाई टू इंटू फाइव यानी कि टी बी इज़ इक्ल्स टू थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव बाई टू यानी कि यह आ जाएगा सेवन टी प्लस थर्टी फाइव बाई टू यानी कि वन जीरो फाइव अपॉन टू इज़ द आंसर तो B पॉइंट पर टेंशन कितनी आएगी सर B पॉइंट पर टेंशन आएगी 105 ज़ीरो फाइव बाई टू न्यूटन क्लियर है प्यार बच्चों तो इस तरह से मैं A पर B पर और इस तरह से इस वाले पॉइंट पर भी टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ और इस पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए बस केवल 3G लिखना होगा एंड आई गेट द आंसर क्लियर है प्यारे बच्चों तो ये कुछ कहानी थी इस तरह की जिसमें हमने एक मैसिव रोप जो कि क्या कर रही थी एक्सेलरेट कर रही थी इस पर क्या कैलकुलेट की है टेंशन कैलकुलेट की हैं हाँ बेटा फाइंड आउट द एक्सलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट फोर्स बिटवीन टू के जी एंड थ्री के जी ब्लॉक देखो इंक्लाइन प्लेन पर दो ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपसे पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स बिटवीन टू के जी एंड थ्री के जी और प्यारे बच्चों एंगल थर्टी सेवन डिग्री दिया है चूंकि फ्रिक्शन नहीं है फ्रिक्शन नहीं है तो फिर तो देखते ही सवाल हो गए फ्रिक्शन नहीं है तो सर इसका मतलब ये होगा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा जी साइन थीटा और बेटे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा जी साइन थीटा यानी कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे एंड दैट इज़ इक्वल्स टू जी साइन थीटा दैट इज टेन इंटू यस साइन थीटा बोले तो साइन थर्टी सेवन यानी कि टेन इंटू थ्री बाई फाइव से सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चूंकि रिलेटिव एक्सेलेशन कितना है दोनों का एक्सलेशन सेम है यानी कि रिलेटिव एक्सेलेशन कितना है ज़ीरो तो प्यारे बच्चों ये इस दूसरे पर कोई नॉर्मल नहीं लगाएगा एग्जैक्टली exactly. क्योंकि दोनों के रिलेटिव एक्सलेशन क्या हैं ज़ीरो तो रिलेटिव एक्सलेशन जीरो होने पर प्यारे बच्चों ये भी आगे बढ़ता जाएगा ये भी आगे बढ़ता जाएगा और ये एक दूसरे को कभी प्रेस नहीं करेंगे तो यानी कि के इस केस में इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों जीरो होगा क्लियर है लेकिन ये तभी हो रहा है जबकि फ्रिक्शन नहीं है अगर फ्रिक्शन होगा तो कहानी कुछ अलग तरह से होगी चले प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल चले प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल एक ब्लॉक 8 के जी का मास है म्यूएस यानी कि कॉफिशंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 पॉइंट फोर कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 पॉइंट रफ सरफेस पर रखा है एक टेबल आपको दी गई है ये टेबल से बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे समझनी होगी और इसे क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझेंगे तो इसमें कह रहा है सर फोर्स से टेन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन थर्टी न्यूटन ब्ला ब्ला बला इसकी स्टेट बतानी है रेस्ट पर रहेगा मूव करेगा फ्रिक्शन का टाइप बताना है और इसका एक्सलेशन हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं इन क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉडी के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं तो सबसे पहला काम यस बात करें प्यारे बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन की टिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इनटू एन म्यू एस कितना है 0.4 एंड नॉर्मल रिएक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया होगा यस एंड ऊपर लग रहा है ये 80 आ जाएगा यानी के इनटू ये कैंसिल हो गया यानी के 32 न्यूटन तो आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है प्यारे बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी 32 न्यूटन तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ये जीरो से लेकर के 32 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है और बात करते हैं एफ के की एफ के की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है एंड दैट इज म्यू के इन टू एम दैट इज जीरो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई एटी ये यहाँ से यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन कितने न्यूटन 24 न्यूटन ये बात हमें पहले ही इंफॉर्मेशन पता लग चुकी है अब शुरू करते हैं सबसे पहले जो फोर्स 10 न्यूटन है प्यारे बच्चों 10 न्यूटन है तो इसका मतलब ये हुआ सर इस सिचुएशन में ये ब्लॉक इस पर लगने वाला फोर्स कितने न्यूटन भाई 10 न्यूटन जब 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड है तो क्या चलेगा नहीं चलेगा क्यों क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो से थर्टी टू तक आती है स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है कैसा फोर्स होता है जो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है तो दस न्यूटन फोर्स लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी प्यारे बच्चों दस न्यूटन ही आ जाएगा बॉडी का एक्सलेशन कितना होगा ज़ीरो तो इसकी स्टेट क्या रहेगी स्टेट रहेगी रेस्ट पर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड टेन न्यूटन होगा और एक्सलेशन प्यारा बच्चे उसका जीरो आ जाएगा फिर बात करते हैं ट्वेंटी न्यूटन की यस अगर मैं इस पर ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो जरा फटाफट से आंसर बताइए सर ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू भी ट्वेंटी आ जाएगी और ये मूव नहीं करेगा यानी कि सर बॉडी रेस्ट पर रहेगी फ्रिक्शन ट्वेंटी होगा एक्सेलेषन ज़ीरो होगा फिर बात करते हैं थर्टी टू की यस थर्टी टू इज़ द लिमिटिंग केस यानी कि जिस समय थर्टी टू न्यूटन फोर्स लग रहा होगा उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो भी कितना होगा वो भी थर्टी टू होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है तो बॉडी की स्टेट क्या होगी सर बॉडी की स्टेट रेस्ट होगी यानी कि 32 पर ये 32 होगा और एक्सेलेशन अभी भी क्या होगा जीरो लेकिन अगर आपने फोर्स को फोर्टी न्यूटन कर दिया नाउ वॉट वुड हैपन सर फोर्टी न्यूटन करने पर फोर्टी न्यूटन करने पर अब ये ब्लॉक ऑब्वियस आगे चलेगा क्योंकि अब फ्रिक्शन की वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से अब इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा और अब 24 न्यूटन आ जाएगा तो अब इसका एक्सेलरेशन होगा 40 माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई आ जाएगा प्यारे बच्चों एट यानी कि यस सिक्सटीन बाई एट यानी कि टू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्लियर है तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और प्यारे बच्चों फ्रिक्शन ट्वेंटी फोर न्यूटन और स्टेट इस, इस बार क्या होगी इसकी ब्लॉक अब रेस्ट पर ना हो के मूव करेगा तो बाकी सारे केसेस में आप सॉल्व कर सकते हैं सेम सिचुएशन में बस यहाँ पे 40 की जगह सिक्सटी रख दीजिए हंड्रेड रख दीजिए तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब केवल इतना सा है कि यहाँ से हमें फोकस करना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली थर्टी टू न्यूटन नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो से थर्टी टू तो कुछ भी हो सकती है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है तो जब भी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो थोड़ी सावधानी बरती है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ही प्यारे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स को आप लोग लिखें इज़ दैट क्लियर ये सारे इसके आंसर लिखे हुए हैं आप आराम से टैली कर सकते हैं अगर मैं इसी क्वेश्चन में है ना जिस क्वेश्चन में कितना था एट के जी था म्यू एस कितना दिया था प्यारे बच्चों जीरो पॉइंट फोर दिया था म्यू के आपको शायद जीरो पॉइंट थ्री दिया था इसमें फ़ोर्स एफ था अगर वो कहता कि फोर्स क्या है जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या आता ज़ीरो आता यानी कि इसका जो फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो अपने हिसाब से क्या करता है एडजस्ट करता है अच्छा आपको प्यारा बच्चों इस केस इस वाले केस में जो ग्राफ बनता है वो एक स्टैंडर्ड इस तरह का ग्राफ बनता है देखते ही कभी कभी टिक लगा सकते हैं आप किस किस के बीच का ग्राफ होता है अप्लाइड फोर्स कौन सा फोर्स अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है जिसका थीटा कितना होता है 45 डिग्री ये है एफ एल ये है प्यारे बच्चों एफ के और यहाँ से यहाँ तक कौन है यहाँ से यहाँ तक है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज दैट क्लियर चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ बच्चों ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ ऑरिजेंटल सरफेस विद वेलॉसिटी इतने कम सेट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फिफ्टी मीटर फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम आफ्टर इच बॉडी कम्स टू रेस्ट ये आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था यस स्टैंडर्ड सवाल है प्यारे बच्चों एम मास की बॉडी किसी वी नॉट स्पीड से जा रही है और अगर इसकी फाइनल स्पीड क्या है जीरो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे एस और इसको कितना टाइम लगे जीरो से टी टाइम लगे तो जो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू के जी और इसका जो स्टॉपिंग टाइम होता है वो कितना होता है दैट इज़ वी नॉट बाई जी कहाँ से आया अरे बहुत आसान है वेलोसिटी दी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा सब बच्चे जानते हैं ये म्यू के एम के, के जी बाई एम होगा एम से छम्मा छम्मा हो जाएगा तो क्या ए की वैल्यू म्यू के जी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे u प्लस ए टी से तो मेरे पास u कितना है v नॉट माइनस म्यू के जी टी और ये है मेरे पास जीरो तो टाइम आ जाएगा v नॉट अपॉन म्यू के जी और थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मैं आपको एक छोटी सी हिदायत देना चाहता हूँ प्लीज़ इनको याद रखें रिपीट होने की थोड़ी थोड़ी संभावना है चलो बेटे वी नॉट की वैल्यू कितनी देर रखी थी सर ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इंटू यस क्या मुझे म्यू के निकालना है सर बिल्कुल निकालना है म्यू के ये कितना है टेन और एस की वैल्यू मुझे दी है आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 50 मीटर क्लियर है प्यारे बच्चों तो यहाँ से उसको सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ म्यू के की वैल्यू कैलकुलेट यानी कि 20 इंटू टू बाई टू म्यू के इंटू टेन इज एकवल्स टू फाइव ये फोर आ जाएगा तो सॉल्व करके म्यू के की वैल्यू निकाल लेंगे और अपने पास प्यारे बच्चों वी नॉट है यस वी नॉट बाई म्यू के जी सॉरी म्यू के जी आता है यहाँ पे म्यू के मुझे पता है जी पता है वी नॉट पता है तो मैं टाइम की वैल्यू, वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके सामने फाइन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है ये बीस न्यूटन है म्यू की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट थ्री भावुक होने की आवश्यकता नहीं है कॉन्टैक्ट फोर्स में हमेशा ध्यान रखें कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं होता प्यारे बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये हमेशा ध्यान रखना है है ना नॉर्मल तो केवल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन तथा नॉर्मल दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं फ्रिक्शन लगता है सरफेस के अलॉन्ग नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर अगर ये कोई अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है नॉर्मल फोर्स जो सरफेस के प्रपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाता है ये कहलाता है रियल में नेट कॉन्टैक्ट फोर्स तो मुझे लगता है शायद अब क्वेश्चन आप कर पाएंगे यस yes, सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं निकालता हूँ एफ एल की वैल्यू सर दैट इज़ टेन इंटू जी इंटू जीरो पॉइंट थ्री ये इससे छम्मा छमा हो गए यानी कि थर्टी न्यूटन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है जीरो से लेके थर्टी तक कुछ भी हो सकता है अब देखिए चूंकि अप्लाइड फोर्स ट्वेंटी न्यूटन है तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और कितने न्यूटन आएगा ट्वेंटी न्यूटन आ जाएगा ओके okay. यानी कि प्यारे बच्चों फ्रिक्शन कितना है ट्वेंटी न्यूटन नॉर्मल कितना दिया है सर इस वाले केस में नॉर्मल होगा हंड्रेड यस दैट नॉर्मल इज हंड्रेड तो इसका रिजल्टेंट इज रिएक्शन So that reaction R is equals to under the root of 20 k square plus 100 k square. Killer viravachu, solve it, you will get the answer. आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा हाँ अगला सवाल फॉर ए गिवन ब्लॉक फाइंड आउट द द द फ्रिक्शन एक्सेलरेशन नेट फोर्स ऑन वॉल ऑफ ब्लॉक है ना देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ छोटी छोटी टर्म्स को जितनी बार आप हैमर करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ सवाल भारी आने वाला नहीं है तो इसलिए सवाल ढूंढना छोड़ें कंसेप्चुअल चीजों को समझें हाँ बेटे वर्टिकल वॉल है वर्टिकल वॉल है तो सबसे पहले नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा हंड्रेड न्यूटन लग रहा होगा चूँकि इसको 500 से प्रेस कर रहे हैं तो दीवार से आने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन होगी इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 500 ही होगा क्लियर है और प्यारे बच्चों चूंकि ब्लॉक नीचे की तरफ गिरने वाला है तो इसको नीचे की तरफ गिरने से रोकने के लिए इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा होगा ओके और ये कितना है ये है प्यारे बच्चों हंड्रेड न्यूटन और ये मेरे पास क्या है दिस इज़ एंड डैश और ये मेरे पास है फाइव हंड्रेड न्यूटन क्लियर है सबसे पहला काम निकालते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ एल तो एफ एल होता है सर ने कहा था म्यू इन टू एन यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो पॉइंट फोर एन डैश कितना है मेरे पास फाइव हंड्रेड ये इसके इसको खा गया यस फिफ्टी यानी कि टू हंड्रेड न्यूटन ये फ्रिक्शन है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सर ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन तो कहाँ से कहाँ तक तो हो सकता है जितनी जरूरत हो जीरो से दो सौ तक कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट कितने की है हंड्रेड की तो जितने की रिक्वायरमेंट होगी क्या उतना ही फ्रिक्शन आएगा एग्जैक्टली exactly, तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन मेरे पास आ गया है हंड्रेड न्यूटन क्लियर है और स्टैटिक नेचर का होगा इसलिए ब्लॉक का एक्सलेशन कितना होगा ज़ीरो क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो पहला आंसर क्या होगा एक्सेलरेशन इज ज़ीरो दूसरा आंसर फ्रिक्शन कितना हुआ स्टैटिक हुआ तथा इसकी वैल्यू हुई हंड्रेड न्यूटन अब आपसे पूछ रहे हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहे हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है सर नेट कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब वही ये क्या है नॉर्मल ये क्या है फ्रिक्शन क्या इसका रिजल्टेंट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है तो दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर यस yes. हाँ प्यारे बच्चों ये मेरे पास होगा कितना फ्रिक्शन है हंड्रेड का स्क्वायर और जो एंड डैश है दैट इज़ फाइव हंड्रेड का स्क्वायर क्लियर है प्यारे बच्चों तो यहाँ से मेरे पास जो रिएक्शन आ जाएगा दैट रिएक्शन कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ यस हंड्रेड का स्क्वायर और फाइव हंड्रेड के स्क्वायर में बेटे ये हंड्रेड स्क्वायर आ जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ हंड्रेड इंटू फाइव का होल स्क्वायर और यहाँ से हंड्रेड यानी कि हंड्रेड का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो हंड्रेड तो बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वन प्लस वन प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि हंड्रेड रूट ट्वेंटी सिक्स इज दैट क्लियर ये मेरे पास होगा नेट रिएक्शन यानी कि नेट कॉन्टेक्ट फोर्स तो क्लियर है प्यारे बच्चों तीनों इंपॉर्टेंट सवाल हमने यहाँ पर क्या किए हैं डिस्कस किए हैं एक्सलेशन फ्रिक्शन और नेट कॉन्टेक्ट फोर्स चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों अगला सवाल करते हैं शानदार सवाल है देखो तुम इसमें कहीं कही ना कहीं गलती मत कर देना क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं गलती कर देते हैं भावुक नहीं होना है है ना हम इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को देख रहे हैं है ना मैं आपको पहले बता दूं कि वैसे चलो पहले देखते हैं पूछ क्या रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास फोर के जिस प्रोजेक्टेड आप रफ इंक्लाइन प्लेन विद इनिशियल वेलॉसिटी इतने फाइंड आउट द टाइम टेकन बाइट बिफोर कमिंग टू रेस्ट प्यारे बच्चों रुकने से पहले कितना टाइम इसको लगेगा है ना तो भावुक नहीं होना है क्योंकि इनक्लाइन प्लेन देखा फ्रिक्शन देखा जिम में पानी आया और आपने क्या लगाया आपने लगा दिया एक्सलेशन जी साइन थीटा माइनस थीटा बिल्कुल गलत ये हर बार नहीं लगता है ये तब लगता है जब कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन से प्यारे बच्चों रेस्ट से रिलीज किया जा रहा हो रेस्ट से क्या किया जा रहा हो रिलीज उस केस में ये लगता है या आप इसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हो थ्रो कर रहे हैं उसके पास कोई वेलोसिटी हो तब तो ये फार्मूला लगता है लेकिन अगर कोई थोड़ी सी भी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो कहानी बदल जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन क्या है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है तो इसने देखो क्या कहा इसने कहा ये इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इसका मतलब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को प्यारे बच्चों मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो जैसे मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो जो एम जी साइन थीटा है ना वो तो धड़ लग ही रहा है एम जी साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन भी धड़ लगने लगा समझिए यानी कि म्यू एम जी कॉस्थीटा भी इधर लगने लगा तो इसका जो रिटार्डेशन होगा ना वो बेसिकली जी साइंथीटा माइनस म्यू की जगह प्लस म्यू के जी कॉस्थीटा होगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाला थोड़ा सा फैक्टर जिसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है ना तो इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन चेंज हो गया है बस अब तो तुम कर ही लोगे यार मैं प्लस ही तो करना है और कौन सा बड़ा काम है यस yes, एक्सेलरेशन लिखता है बेटा टेन साइन थर्टी सेवन प्लस म्यू कितना है भाई यहाँ से सर जीरो पॉइंट फाइव है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू यस कॉस थर्टी सेवन यानी कि फोर बाई फाइव सो दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी टेन इंटू थ्री बाई फाइव यस प्लस वन बाई टू इंटू टेन इंटू फोर बाई फाइव ये टू टू यानी कि ये आ गया मेरे पास टेन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर खत्म अब क्या लगाना है फाइनल स्पीड कितनी होगी बेटे इसकी जीरो तो क्या फर्स्ट इक्वेशन वी बराबर यू प्लस एटी से जीरो हो गई किससे फेंका था ट्वेंटी माइनस कितना टेन इंटू टी सो प्यारे बच्चों टाइम आएगा कितने सेकंड दो सेकंड समझ गए तो भावुक ना हो ये एक्सलेशन केवल तब लगता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो वेलोसिटी दी हो तो ध्यान रखिएगा चले बच्चे बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों ए ब्लॉक ऑफ मास टू की रिलीज ऑन द गिवन इंक्लाइन प्लेन बताइए जिसका नाम ले रहे शैतान हाजिर म्यू दे रखा है बेटे जीरो पॉइंट फोर एंड म्यू के जीरो पॉइंट थ्री फाइंड आउट द एक्सलेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स सबसे बड़ी बात इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जो थीटा वो कितने डिग्री दिया है फिफ्टी थ्री डिग्री आपको दिया है तो फिफ्टी थ्री डिग्री में पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक गिर रहा है या ये ब्लॉक उसी सरफेस पर प्यारे बच्चों रखा हुआ है क्लियर है तो इसके लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा इसके कंपोनेंट करके 2g जी साइन फिफ्टी कैलकुलेट करना होगा ये क्या है ये नॉर्मल है ये मेरे पास है 2g जी कॉस फिफ्टी क्लियर है प्यारे बच्चों इसके बाद मैं फ्रिक्शन की बात करूँगा तो मेरे हिसाब से 2g जी साइन फिफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यह आ जाएगा ट्वेंटी और यह आएगा प्यारे बच्चों मेरे पास फोर बाय फाइव से कितने न्यूटन दैट इज सिक्सटीन न्यूटन यानी कि सिक्सटीन न्यूटन इसमें नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है क्लियर है अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं देट फ्रिक्शन फोर्स यस अगर मैं बात करूँ एफ एल की तो दिस इज़ म्यू एस एम जी कॉस थीटा यानी कि ज़ीरो पॉइंट फोर इंटू एम बोले तो सर टू इंटू टेन ट्वेंटी और कॉस थीटा मेरे पास फिफ्टी थ्री डिग्री है यानी कि मेरे पास आएगा थ्री बाई फाइव ये यहाँ से आ गया बेटा एट कॉस फिफ्टी थ्री बोले तो थ्री बाई फाइव तो ये मेरे पास आ गया है ट्वेंटी फोर 5 फाइव फाइव फोर जा 20.4.8 न्यूटन ये फ्रिक्शन आ रहा है मेरे पास कौन सा दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और अगर मैं बात करूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की सो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री रख देंगे तो जीरो पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी इन टू थ्री बाई फाइव यस दिस इज़ फोर जा एंड दिस कम्स आउट टू बी यस जीरो पॉइंट नाइन इंटू फोर यानि कि थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन तो प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ब्लॉक क्या करेगा स्लाइड करेगा क्योंकि अप्लाइड फोर सिक्सटीन न्यूटन नीचे की तरफ ज़्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा तो ये वाला कहनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा एफ के लगेगा अब समझ गए भाई तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा सर एफ के और बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो एफ के कितना था क्या 3.6 है तो मैं इक्वेशन लिखूंगा और ये मेरे पास कितना आया था दैट इज दैट इज 16 सो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू ए इज एक माइनस थ्री पॉइंट डिवाइडेड बाई टू वी विल गेट द आंसर क्लियर है प्यारे बच्चों तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है पहले चेक करना है कि अप्लाइड फोर्स कितना है फिर काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करके देखना है उसके बाद जाके कमेंट करना है बॉडी के एक्सेलरेशन पर और बॉडी के फ्रिक्शन फोर्स पर ठीक है प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये बिल्कुल ए ब्लॉक ऑफ मास टेन के जीज प्लेस ऑन द गि इन क्लाइन प्लेन न्यू वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव फैन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर टू पुल ब्लॉक अप द प्लेन एंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर टू प्रीवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन देखो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कमाल की बात है दोनों में ही अप्लाइड फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन एक में क्या कर रहा है एक में ये इस बॉडी को केवल ऊपर से नीचे जाने में रोक रहा है ये रोक रहा है रोक रहा है लेकिन फोर्स अभी भी ऊपर ही लग रहा है और एक में ताकत लगा के ऊपर फेंक रहा है तो फोर्स ऊपर ही है लेकिन एक में ये नीचे जाने से रोक रहा है और एक में प्यारे बच्चों क्या रहा तो मतलब में तो तो कर रहा है ताकत के ऊपर फेंक रहा है तो टू प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन यस प्यारे बच्चों रिजल्ट रटा रटा है सवाल पहचान में आ गया है एम जी थीटा माइनस म्यू एम जी को लेकर एम जी साइंथीटा प्लस μmg एम जी इसकी रेंज होती है ये हमेशा ध्यान रखना है ये वो वाला फोर्स है जो इसको फिसलने से रोक रहा है है ना टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन और ये वो फोर्स है जो टू पुश अप यानी कि ये वाला जो फोर्स है प्यारे बच्चों दिस इज़ टू पुश अप द इंक्लाइन प्लेन है और ये क्या है प्रिवेंट कर रहा है टू प्रिवेंट स्लाइड डाउन क्लियर बस आंसर आने वाला है चलो जी थीटा दे रखा है मास दे रखा है और क्या मुझे म्यू की वैल्यू भी दे रखी है बिल्कुल तो बताओ जरा पुल अप द प्लेन कौन सा हुआ सर ये वाला हुआ सवाल आएगा नीट में पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी बार जेई मेन्स में नीट में रिपीट हो चुका है सवाल तो प्यारे बच्चों पुश अप के लिए यस yes. पहले वाला इसको क्या मैं एफ़ वन कह दूँ और इसको क्या कह दूँ एफ टू तो एफ़ वन निकालते हैं दैट एफ वन अच्छा मैं इस पर दो सवाल कराऊंगा एक सवाल और कराऊंगा जेई मेन्स में पूछा गया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी याद हो जाएगा एम जी साइन थीटा यस हंड्रेड इंटू साइन थर्टी सेवन प्लस म्यू कितना बेटा सर जीरो पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड इंटू यस कॉस थर्टी सेवन तो ये मेरे पास आ जाएगा हंड्रेड इंटू यस थ्री बाई फाइव प्लस वन बाई टू इंटू हंड्रेड इंटू फोर बाई फाइव क्लियर है और ये आ जाएगा बीस यानी कि सिक्सटी तो ये हो गया और ये मेरे पास हो गया यहाँ से ट्वेंटी और ये टेन यानी कि फोर्टी यानी कि इट कम्स आउट टू बी हंड्रेड न्यूटन कितने न्यूटन हंड्रेड न्यूटन एंड द सेकेंड आंसर इज द सेकेंड आंसर इज सिक्सटी माइनस फोर्टी दैट इज ट्वेंटी न्यूटन क्लियर है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तो हो तक होगी हंड्रेड से ट्वेंटी तक होगी क्लियर है आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है ना और हमें भी इसको याद रखना है और वैसे ये रिज़ल्ट कहाँ से आए हैं ये भी बहुत आसान सा काम है एम जी साइंस नीचे लग रहा है और जब एक बार आप क्या करते हैं इसको रोकते हैं ऐसे ऐसे रोक रहे हैं नीचे तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता है और जब उसे धक्का देते हैं तो ऊपर जाने के फ्रिक्शन नीचे लग जाता है तो एम जी थीटा और फ्रिक्शन जब साथ साथ होते हैं तो ऊपर भगाने वाला सवाल और जब एम जी थीटा फ्रिक्शन अपोजिट होते हैं तो नीचे गिरने से रोकने वाला क्वेश्चन बन जाता है क्लियर है प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको कराया था उससे मिलता जुलता सवाल है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप अप है ना यस और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं वेल द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन हाँ समझ गए आप लोग बिल्कुल तो इफ दैन क्लाइन प्लेन मैक्स एंगल थीटा फ्रॉम द ओरिजेंटल सच दैट टेन थीटा इज इक्वल टू टू म्यू तो प्यारे बच्चों एफ वन एफ टू का रेशो बताइए जेई मीनस का सवाल है जू का तो सवाल रिपीट हो जाता है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें हाँ प्यारे बच्चों तो मेरे ख्याल से जब अप की बात आ रही है पुशिंग अप यानी कि एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी और प्यारे बच्चों प्रिवेंटेड स्लाइडिंग यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी क्लियर है बस अब क्या था एफ एन एफ टू का रेशियो आपसे बेटे पूछ रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस्थीटा बॉन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी थीटा क्लियर है एम जी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो बेटे एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल्स टू हाँ जी साइन साइंथीटा प्लस म्यू कॉस कॉस्थीटा डिवाइडेड बाय साइन साइंथीटा माइनस म्यू कॉस कॉस्थीटा पूरी इक्वेशन को प्यार बच्चों कॉस कॉस्थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस्थीटा माइनस म्यू कॉस्थीटा अपॉन कॉस्थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस म्यू थीटा अपॉन थीटा ये कट गए यहाँ से यानी कि ये मेरे पास आ गया टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन टेन थीटा माइनस म्यू और फिर यहाँ से टेन थीटा कितना दिया है मुझे टू म्यू दिया है अगर टेन थीटा मुझे यहाँ पर प्यारे बच्चों टू म्यू दिया है तो सर जी टू म्यू प्लस म्यू टू म्यू माइनस म्यू यानी आंसर तो तो बच्चों याद हो गया ना सवाल ये चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल प्यारे बच्चों एंगल ऑफ रिपोज़ का बहुत शानदार सवाल है ध्यान से समझिएगा मजेदार ए ब्लॉक ऑफ मासप्लेस ऑन सर्फेस विदर्टिकल क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई सिक्स है ना बेटे ध्यान दीजिए बहुत प्यारा सवाल क्योंकि मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कुछ नया कीजिए कुछ अलग कीजिए सवाल हल्का भारी कुछ नहीं होता जो सवाल आ जाए वो आसान जो ना आए वो भारी होता है और इम्पॉर्टेंट वो होता है जो हमें नहीं आता तो प्यारे बच्चों भाई आपको दिया है इतना अगर आपसे कहें कॉफिडेंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो पॉइंट फाइव दिन द मैक्सिमम हाइट अब ऑफ द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लीपिंग इज एक्चुअली कुछ नहीं है ये क्वेश्चन सीधे सीधे एंगल ऑफ़ रिपोज का सवाल है है ना प्यारे बच्चों और सभी जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है सर टें थीटा इज एक टू म्यू होता है जिस पर बॉडी फिसलने वाली होती है अब ये कोई कर्व है किस किस के बीच में वाई और एक्स के बीच में अब मुझे नहीं पता किस तरह का है सपोज कोई भी कर्व है यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो एक समय आएगा जब ये गिरने वाला होगा तो जहाँ भी गिरने वाला होगा उस समय पर आप जानते हैं इसका जो स्लोप है tan थीटा किसी भी कर पर किसके बराबर होता है जल्दी बताओ सर स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स और अगर ध्यान से देखें तो क्या ये अगर अलग से इसको बना दूँ तो ये कुछ एंगल ऑफ रिपोर्ट जैसा लग रहा है ना तो इसका मैं दोनों बराबर कर दो यानी कि इन दोनों tan थीटा को बराबर कर दो सवाल खत्म हाँ जी यानी कि टें थीटा दैट म्यू इज़ एक टू डी वाई बाई डी एक्स ये है प्यारे बच्चों कंसेप्ट इस सवाल का अब बताओ क्या आपको वाई इज एक टू एक्स क्यूब बाई सिक्स गिवन है बिल्कुल तो यहाँ से क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज एक टू वन बाई सिक्स इंटू थ्री एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू और ये किसके बराबर है म्यू के बराबर और म्यू कितना है ज़ीरो पॉइंट फाइव यानी कि वन बाई टू तो बेटा टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस वन यानी कि वन अब तो वन हमारे काम का है आपसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है अब आपको तो पता लग गया कि एक्स बराबर वन पर बॉडी स्लाइड करेगी लेकिन एक्स थोड़ी पूछ रहा है या आपसे क्या पूछ रहा है या आपसे वाई पूछ रहा है तो इस एक्स की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए यानी कि दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई सिक्स वन बाई सिक्स मीटर तो मैं कह सकता हूँ कि वन बाई सिक्स मीटर तक ये ब्लॉक जा सकता है बिना फिसले उसके बाद ये ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा तो है ना कमाल का सवाल जब भी कभी ऐसी कोई इक्वेशन दी हो कहीं टें थीटा का रिलेशन आ रहा हो मैं तो कह रहा हूँ पता भी ना लगे तो भी सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकालो टें थीटा के बराबर करो और सवाल को आगे बढ़ा दो क्लियर है यार बच्चों चले बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ बिहार बच्चों एस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मासेस एम वन एम टेम थ्री कनेक्टेड द स्ट्रिंग पासेस अवर ए पुली एम वन हैंग्स फ्रीली और प्यारे बच्चों एम टेम थ्री रफ सर्फेस पर है यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो आपसे कह रहे हैं डाउनवर्ड एक्सेलेशन ऑफ एम वन पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन आप सोचो ये नीट में पूछा गया सवाल है यस yes, क्या बेटे इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा ए होगा नीचे जा रहा है तो क्या इस पर फ्रिक्शन काइनेटिक पीछे लग जाएगा इस पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा इसको नीचे ले जाने वाला कौन होगा एम वन जी होगा और आप सभी बच्चे जानते हैं यस नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास से सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल जाता है वेरी गुड तो एक्सटर्नल फोर्स से ये कितना आ गया सदस्य एम वन जी ये मेरे पास आया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री और साथ ही साथ ये भी एक्सटर्नल फोर्स है और एफ के कितना होगा सर म्यू के एम टू जी और ये कितना होगा म्यू के एम थ्री जी बस इसको उठा के यहाँ रखिए और माइनस करना होगा क्योंकि इसके अपोजिट है तो यह आ जाएगा बेटे म्यू एम टू जी माइनस म्यू एम थ्री जी चूँकि ब्लॉक्स के मासस क्या हैं सेम तो यहाँ सबको एम एम रख दीजिए यानी कि एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी क्या बेटे डिवाइडेड बाई थ्री एम आ जाएगा ओके एम से कैंसिल हो गया ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस टू म्यू जी डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि जी कॉमन ले लूँगा तो वन माइनस टू म्यू जी बाई थ्री इज़ द आंसर तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई मेरे ख्याल से सर इसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास ऑप्शन नंबर थ्री यस yes? क्लियर है प्यारे बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल पहले भी पूछा जा चुका है अब भी आने की संभावना आइए जरा ध्यान से देखते हो और मजेदार कंसेप्ट है इसके अंदर ए बलून विद मास एम यस इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए हाउ मच मास शुड बी रिमूव सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए इसमें थोड़ा सा लॉजिकल है पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से लैंग्वेज से समझते हैं हाँ बेटा एम जी लग रहा है नीचे यार ये बैलून ए से नीचे जा रहा है फिर हमने क्या किया इसमें से एम डैश को रिमूव किया एम डैश को रिमूव करेंगे तो उसका मास कितना होगा एम माइनस एम डैश इन टू जी और अब ये कह रहा है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है अब सवाल ये है प्यारे बच्चों बैलून है तो बैलून पे एक बांसी फोर्स भी लग रही होगी यस तो जैसे यहाँ पे हम एक बायसी फोर्स को कंसिड्रेशन करेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो इसमें गलती करते हैं क्योंकि ज्यादा समय अपन नहीं लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो इस पर एक बायसी फोर्स ऊपर की तरफ और मान लीजिए क्योंकि मुझसे पूछ रहा है एम डैश की वैल्यू बताओ तो अब इक्वेशन क्या बनेगी सर इसके हिसाब से बनेगी एम जी माइनस इक्वल्स टू एम इन टू है और बेटे इससे जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी इस बार बायोनसी माइनस एम माइनस एम डैश इंटू जी बराबर एम माइनस एम डैश इन ए बस मजा आ गया बी से बी कैंसिल हो गया एम जी माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए माइनस एम डैश इंटू ए क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ से एम जी एम जी बेटे छम्मा छम्मा हो गए तो एम डैश जी इज इक्वल्स टू यस टू एम ए माइनस एम डैश इन टू ए आ जाएगा क्या बेटे इसको इधर ले जाएंगे उठा करके एम डैश कॉमन ले लिया जी प्लस ए इज इक्वल टू टू एम ए सो दैट एम डैश इज इक्वल टू यस टू एम ए अपॉन जी प्लस ए यस कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर बेटे तो इस क्वेश्चन में किस बात का ध्यान रखना है कि एडिशनल फोर्स मानना पड़ेगा और छोटा सा मास किया है तो इससे इसके एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाला है बस बैंसी भी करेंगे एंड कमाल का सवाल चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल हाँ प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल ब्लॉक ऑफ एम इन द फिगर फ्रिक्शन इज म्यू वॉट शुड द ब्लॉक एम डज नॉट फेल बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है नीट के लिए नीट के लिए सारे जानता हूं लेकिन याद कर लेंगे है ना बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है देखो बेटा है कि यार एक ही वैल्यू बताओ ताकि दोनों क्या चले साथ चले और ये इसके साथ स्लिप ना हो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो कराए थे बच्चों तो आपको याद होगा अगर ये और ये एक साथ चलेंगे इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा ए होगा ये बात तो समझ में आती है बिल्कुल सर और अगर मान लो बात करें इस पर बैठ जाऊं किस पर ए बड़े वाले ब्लॉक पर तो बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन क्या ये खुद ऐसे जा रहा है अरे सर हम समझ गए सीडो लगाओगे एग्जैक्टली तो प्यारे बच्चों चलिए थोड़ा सा इसमें रंग भरते हैं क्या इसका एज है तो क्या इस पर शेडूल नीचे लगेगा बिल्कुल क्या बेटे एक नॉर्मल आएगा एम जी कहाँ लग रहा होगा नीचे और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ आएगा ऊपर क्योंकि अगर फ्रिक्शन ऊपर आ गया तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा और ये इसके बराबर होगा तो सबसे पहला काम प्यारा बच्चों एन की वैल्यू किसके बराबर एमए के बराबर और कमाल की बात है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर बच्चे जानते हैं म्यू एन यानी कि म्यू इन एम ए अच्छा बेटा एम जी फ्रिक्शन के बराबर है तभी तो ये नहीं गिर रहा यानी कि सर एम जी इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन बेटे दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अब सब बच्चे जानते जो फ्रिक्शन होता है क्या दिस फ्रिक्शन एफ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एफ एल स्टार्टिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा शुरू से बताया जा रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है एम जी और ये मेरे पास एफ एल कितना प्यारे बच्चों एफ एल इज मिचू तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से ए की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी म्यू. यानी कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो जी बाई म्यू से के बराबर या जी बाई म्यू से ज़्यादा होना चाहिए याद करने का तरीका जी गोट <laughs> यानी कि गोट अपॉन बिल्ली यानी कि हाँ जी बिल्ली यानी कि कैट बकरी क्या करती है मैं मैं है और नीचे क्या आएगी प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगी बिल्ली तो रट लो जी बाई म्यू इसका आंसर है टिक करना है डायरेक्ट पूछा गया सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तो ये सारी कहानी थी किसकी ये सारी कहानी थी न्यूटन्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन की एक रिविजन की और मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ी थ्योरी भी कवर की है सवालों के माध्यम से काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और हमने कोई अलजुल बात नहीं की हमने केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा किया प्यारे बच्चों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके इस समय पर आपके लिए आवश्यक हैं तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और प्यारे बच्चों जुड़े रहें और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें हंड्रेड परसेंट आपको बेनिफिट मिलने वाला होगा मैं आपका अमित वर्मा धन्यवाद